मुंशी जी वो देखिए डैडी का प्लेन, डैडी आ गए, डैडी आ गए। कम मिस्टर रिचर्ड। हेलो डैडी। हेलो विकी। मिस्टर सक्सेना गाड़ी में बिठाइए इन्हें प्लीज। कम मुंशी जी और तो सब ठीक है ना? जी बिल्कुल ठीक है, मगर राय साहब मैं विक्की के बारे में आपसे कुछ बात करना चाहता हूँ। मुंशी जी कल बात कर लीजिएगा, दरअसल बात यह है कि मिस्टर रिचर्ड को अपने नए स्टील प्लांट पर ले जा रहा हूँ। देखा मुंशी जी आज भी डैडी ने हमें प्यार नहीं किया। बेटे तुम्हारे डैडी को काम से फुर्सत ही कहा, मैं जो हूं तुम्हें प्यार करने वाला। आ। ये हम क्या सुन रहे हैं मुंशी जी, विकी ने शराब पीना शुरू कर दी है। उसे तो हमने आपके हवाले किया था और आपने उसे शराबी बना दिया। राय साहब इसके जिम्मेदार आप हैं। हम? ये क्या भक्ति हैं आप? जी राय साहब विक्की को शराबी बनाने वाले आप हैं। आप आपको दौलत कमाने से फुर्सत नहीं थी और नन्ना बेचारा विक्की अपने बाप के प्यार को तरसता रहा। आपके पास तो इतना भी वक्त नहीं था कि अपनी मरती हुई बीवी को आकर देखते भी। वो रात मुझे आज भी याद है जब आप डॉक्टर पे डॉक्टर भेज रहे थे। मुंशी जी 5 मिनट के लिए डॉक्टर साहब को बाहर जाने के लिए कहिए। डॉक्टर साहब बाहर जाइए। मेरी जिंदगी का दिया तो पूछ रहा है मुंशी जी, मैं विक्की को आपकी गोद में डालती हूँ, इसे इसे माँ की तरफ पालना, क्योंकि मैं जानती हूँ इसके बाप के होते हुए भी इसे बाप का प्यार नहीं मिल सकता। जो इंसान मरती हुई पत्नी को देखने नहीं आ सकता वो अपनी औलाद को क्या देखेगा। मैं विक्की को आपके आपके बर्किन। राय साहब सच बहुत कड़वा होता है। जिस उम्र में बच्चों को दूध हजम नहीं होता उस उम्र में आपने विक्की को ब्रांडी पिलवानी शुरू कर दी। वो छींकता था तो आप कहते थे 2 चम्मच ब्रांडी पिला दो, वो रोता था तो आप कहते थे 2 चम्मच ब्रांडी पिला दो, सिर्फ इसलिए कि आपके कारोबार की मीटिंगों में खलल ना पड़े। राय साहब आज वही 2 चम्मच ब्रांडी के शराब की बोतल बन गए। ये तो मेरा प्यार है राय साहब जिसकी वजह से आपकी औलाद सही सलामत है, वरना वो मासूम कब का इस दुनिया। अपनी जबान और आवाज पर काबू रखिए मुंशी फूलचंद, हमें ऊंची आवाज सुनने की आदत नहीं। और ये भी ना समझिएगा कि विकी आपके बगैर नहीं रह सकता, हम उसके लिए 50 नौकर रख सकते हैं। क्यों नहीं राय साहब, 50 क्या आप सैकड़ों नौकर रख सकते हैं। अब आपको मेरी जरूरत भी क्या है? सोचा था कि मरने से पहले इस घर से नहीं जाऊंगा, लेकिन आज एहसास हुआ कि मैंने गलत सोचा था। वो अमरनाथ कपूर जिसका कि मैं दुनिया में अकेला ही दोस्त था आज दौलत की दुनिया में भटक गया है। आपकी दौलत की हवस ने मुझे नौकर बना दिया, दोस्त से नौकर बना दिया। ये तो विक्की का प्यार था जिसकी वजह से मैं आज तक यहां रुका हुआ था। अब मैं सारे बंधन तोड़ दूंगा, मुझे कोई नहीं रोक सकता। नहीं मुंशी जी नहीं, अब हमें छोड़ के नहीं जा सकते। मुंशी जी हम आपके बिना नहीं रह सकते। बेटे इस मुंशी को भूल जा, तेरा खून का रिश्ता राय साहब से है, यही तेरे सब कुछ है। गरीब मुंशी तो इस घर का नौकर है, नौकर। मैं जाऊंगा। डैडी रोकिए ना मुंशी जी को, डैडी रोकिए ना प्लीज। डैडी मुंशी जी रुक जाइए, आपको हमारी कसम। विक्की बेटे मुझे माफ कर दो।
माफ कर दो, मैं भी तुम्हारे बगैर जिंदा नहीं रह सकता। रो मत, मैं नहीं जाऊंगा। मुंशी जी, जो हुआ सो हुआ, कल से विकी स्कूल नहीं जाएगा, इसकी पढ़ाई का बंदोबस्त घर पर ही कर दीजिए। रो मत बेटे। क्या बात है सक्सेना साहब, बड़े परेशान दिखाई दे रहे हैं। बात ही कुछ ऐसी है, राय साहब ने बस्ती खाली करवाने के लिए कहा था और सारी बस्ती पर बुलडोजर फिरवा दिया, मगर एक बेवा औरत अपना झोपड़ा छोड़ के जाने के लिए तैयार नहीं है। वो कहती है कि मैं डोली में बैठकर यहाँ आई थी, अब मेरी अर्थी यहाँ से निकलेगी। तो फिर इसमें हम क्या कर सकते हैं? आप उसे कुछ पैसा देकर झोपड़ा खाली करा लीजिए। मैं? हाँ मुंशी जी, ये काम आप ही कर सकते हैं। क्या बात है भाई? अमीना भाई गुजर गई। राम 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 राम। मैं तो उससे उसका झोपड़ा छुड़ाने आया था, ये तो दुनिया ही छोड़ गई। अम्मी जान उठो ना, अम्मी जान स्कूल लेके चलो ना, अम्मी जान देखो स्कूल लेके चलो ना, अम्मी जान, अम्मी जान उठो ना, अम्मी जान, अम्मी जान उठो ना, अम्मी जान। बस बस रो मत, हम तुम्हें पढ़ाएंगे, हम तुम्हें स्कूल ले चलेंगे। क्या नाम है तुम्हारा? अनवर। मुंशी जी, हम इसे अपने साथ ले चले। ले चलो बेटा, ले चलो। आओ भाई साहब, ये कुछ पैसे रखिए इनकी मैयत के लिए। सर, आपको एक प्रॉमिस करना पड़ेगा। कैसा प्रॉमिस? आप अनवर को इस बात का कभी पता नहीं चलने देंगे कि उसकी पढ़ाई लिखाई का खर्चा कौन देता है। बहुत अच्छी बात है, नहीं बताएंगे। और मुंशी जी, अभी ये बात डैडी को नहीं बताएंगे। नहीं बताएंगे बेटे, बिल्कुल नहीं बताएंगे। आदाब। शाबाश अनवर, शाबाश। एक उस्ताद के लिए इससे बढ़कर खुशी की बात और क्या हो सकती है कि जिस स्टूडेंट पे वो मेहनत करे वो बड़ा होकर बाइज्जत इंसान बने। आज तुम्हें देखकर मुझे ऐसा लगता है मेरी आशाओं, मेरी तमन्नाओं ने वर्दी पहन रखी है। सर, खुदा रसूल के बाद अगर मैं किसी और की इज्जत करता हूँ तो वो आपकी। मगर एक सवाल जो आप हमेशा से टालते चले आ रहे हैं, आज उसका जवाब दीजिए कि वो कौन नेक इंसान है जिसने एक कमजोर पौधे को अपनी मेहरबानियों से सींचकर इस मंजिल तक पहुंचा दिया। देखो बेटा, मेरी जुबान किसी वचन की जंजीर से बंधी हुई है। जो वादा, जो वचन मैंने जिंदगी भर नहीं तोड़ा, उसे तोड़कर क्यों गुनहगार बनाते हो? और देखो बेटे, दुनिया बहुत छोटी है, हो सकता है किसी रोज, किसी चौराहे पर, किसी मोड़ पर उस नेक इंसान से तुम्हारी मुलाकात हो जाए। शराबी बाहर नोटे छापता रहता है और बेटा सड़के नापता रहता है, पर लौंडा दिल का हीरा है, हीरा। अरे गाड़ी की चला रहा है, अरे मैं मारेगा। बेड़ोबाज किसने कहा है? मैंने नहीं कहा। शराबी की आवाज किसने लगाई? नॉट मी सर, नो। हमारे मुंह में तो पान है, हम तो बोल ही नहीं सकते। मैंने कब बोला? विक्की बाबू आग पानी पी सकती है मगर आप शराब नहीं पी सकते। अरे भाई, शराबी को शराबी नहीं तो क्या पुजारी कहोगे? अरे ये तो शेर हो गया। शराबी को शराबी नहीं तो क्या पुजारी कहोगे, गेहूं को गेहूं नहीं तो क्या ज्वारी कहोगे। यहाँ क्या कर रहे तुम लोग? बस का इंतजार कर रहे हैं हम, अगर बस नहीं आई ना तो पार्सल का अड्डा बंद हो जाएगा। अरे कहाँ आजकल पास्कल रास्कल के चक्कर में अपनी आतड़ियां खराब करते हो, दिन भर धूप की ताप से जलते हो, रात को पास्कल की शराब से जलते हो। लो तो एक और शेर हो गया भाई। अरे तुम लोग हमसे मिलते रहा करो, क्या मुंह से धड़ाधड़ शेर टपक रहा है। ये मुंशी जी भी आज न जाने कहां चले गए, वरना हम भी उन्हें बताते कि वजन में शेर कैसे कहा जाता है। आओ आओ
तुम लोगों को आज अंग्रेजी पिलाता हूँ। अंग्रेजी ये माना कि अंग्रेज दुनिया को बेवकूफ बनाता है, मगर यारो खता माफ। मस्त मस्त नजर देखे नए चमत्कार, जहां चार यार मिल जाए वहीं रात हो गुलजार, जहां चार यार। One o'clock in my house, there was a cat, there was a mouse, खेल रहे थे डंडा गिल्ली, चूहा आगे पीछे बिल्ली, चूहे को पड़ गए जान के लाले, बोला मुझको कोई बचा ले। चूहा आगे पीछे बिल्ली, पीछे बिल्ली चूहा आगे, चूहा आगे पीछे बिल्ली, पीछे बिल्ली चूहा आगे, पीछे बिल्ली चूहा आगे। पंजरों का बंद थी खिड़की, बिगड़ी हुई थी हालत उसकी, मेरे पास था भरा गिलास, पी गया चूहा सारी विस्की, खड़क के बोला कहाँ है बिल्ली, दम दबा के बिल्ली भागी, चूहे की फूटी किस्मत जागी, दम दबा के बिल्ली भागी, चूहे की फूटी किस्मत जागी, दम दबा के बिल्ली भागी, चूहे की फूटी किस्मत जागी। आ खेल रिस्की था, खेल रिस्की था, विस्की ने किया बेड़ा पार, खेल रिस्की था, महफिल रंगीन जमे, महफिल रंगीन जमे, दौर चले धूम मचे, मस्त मस्त नजर देखे नए चमत्कार, जहां चार यार मिल जाए वही रात हो गुलजार, जहां चार यार। एक था हस्बैंड, एक थी वाइफ, मिजरेबल थी उनकी लाइफ, ड्रंकड हस्बैंड फाइटर वाइफ, बीवी बिगड़े शौहर अकड़े, रोज के झगड़े रोज के लफड़े, लफड़े झगड़े अरे झगड़े लफड़े, लफड़े लफड़े झगड़े झगड़े लफड़े झगड़े झगड़े लफड़े। बीवी की थी एक सहेली, उसने उसको कुछ समझाया, तब बीवी की समझ में आया, रात को शौहर पी के आया, दरवाजे पे फिर चिल्लाया,
जिंदगी बन गई भोली, कुंडी खोली हंस के बोली, जाने तमन्ना अंदर आओ, पहले तो कुछ खाओ आओ, फिर बिस्तर पे होंगी बातें, बड़े प्यार से कटेंगी रातें। शौहर चौंका, भूले से मैं ये किसके घर आ गया यार, मेरी बीवी मुझे कभी भी दे नहीं सकती इतना प्यार। शौहर बिस्तर छोड़ के भागा और कुंडी ताला तोड़ के भागा, शौहर बिस्तर छोड़ के भागा कुंडी ताला तोड़ के भागा, भागा रे भागा रे भागा रे भागा रे भागा। बोला देवी माफ कीजिए, मेरे साथ जरा इंसाफ कीजिए, मुझको अपने घर जाना है वरना बीवी फिर मारेगी। उस दिन बीवी होश में आई, बंद हो गई सारी लड़ाई, नफरत हारी उल्फत जीती, लुटी खुशी फिर लौट के आई। अरे नफरत हारी उल्फत जीती लुटी खुशी फिर लौट के आई, आई रे आई रे आई रे आई रे आई। पीना छूट गया, पीना छूट गया, बीवी ने इतना दिया प्यार, पीना छूट गया। फिर दोनों ऐसे मिले हे हे, फिर दोनों ऐसे मिले प्यार में ही डूब गए, प्यार अगर मिले तो हर नशा है बेकार। जहां चारिया कानून की वर्दी से अपना न पैर हो, लो राह में टकरा गए अल्लाह खैर हो। क्यों मैं इंस्पेक्टर, तुम्हारी हमारी मुलाकात हमेशा इसी मोड़ पे ही क्यों होती है? विकी बाबू, पता नहीं क्यों मैं जब भी यहां से गुजरता हूं तो मेरे कदम खुद ब खुद यहां रुक जाते हैं। ऐसा लगता है जैसे यहां किसी नेक इंसान का साया है जो मुझे रुकने पर मजबूर कर देता है। और फिर अक्सर आप मिल जाते हैं। अब आपका और मेरा क्या रिश्ता है यह तो खुदा जाने। खैर आप बताइए, आप इतनी रात गए और इन मवालियों के साथ? मवाली नहीं भाई, ये तो हमारे साथी हैं। साथी? हाँ हाँ, जो साथ ने वो साथी हुए ना। एक बात पूछूं विकी बाबू, हाँ। आपका इतना बड़ा किले जैसा आलीशान मकान और आप यहाँ इन लोगों के साथ इस तरह? इसीलिए तो हम इस तरह हैं इंस्पेक्टर, क्योंकि किले में जंग लड़ी जाती है, राह नहीं जाता। फिर मिलते हैं इंस्पेक्टर। आपके बच्चे को बचाने के लिए ऑपरेशन करना पड़ेगा और उसके लिए पैसों की जरूरत पड़ेगी। अगर आपके पास पैसे नहीं है तो मैं मजबूर हूँ, मैं कुछ नहीं कर सकता। नहीं डॉक्टर साहब, ऐसा मत कीजिए डॉक्टर साहब, खुदा के वास्ते हम पर रहम कीजिए, हमारे बच्चे को बचा लीजिए। डॉक्टर साहब देखिए, हमारा सिर्फ एक ही बच्चा है। हाँ डॉक्टर साहब, खुदा ना खास्ता अगर से कुछ हो गया ना तो मैं इस अस्पताल को आग लगा दूंगा, सारे डॉक्टरों को खत्म कर दूंगा, काट डालूंगा इन्हें पत्थरों की तरह। अरे पैसे के पुजारी, पैसा मांगता है, अरे मेरे बच्चे को बचा। मैंने एक बार कह तो दिया मैं मजबूर हूं। डॉक्टर साहब अल्लाह के लिए इनकी बातें पर मत जाइए। डॉक्टर साहब बच्चे के कमली ने दीवाना कर दिया है। डॉक्टर साहब अरे पैसे के पुजारी, बिना पैसों के नहीं कर सकता। क्या बात है, क्या बात है बहन? भाई साहब पता नहीं हमारे बच्चे को क्या हो गया है, डॉक्टर साहब कहते हैं इसका ऑपरेशन करना पड़ेगा। साहब हमारा एक ही बच्चा है साहब, हमारा सहारा है, इसके बिना हम नहीं जी सकते साहब। ये डॉक्टर साहब कहते हैं इसके ऑपरेशन के लिए बहुत पैसा चाहिए, पेशे का एक कसाई हूँ साहब मैं, इतने रुपए कहाँ से लाऊं? कितने पैसे लगेंगे डॉक्टर साहब? लाख, दो लाख, दस लाख, आप मुझे खर्चा बताइए। पैसे की वजह से बच्चे की जान नहीं जानी चाहिए। ये मेरा कार्ड है, बिल मेरे ऑफिस भिजवा दीजिएगा। एक मामूली कसाई के लिए लाखों की बातें? अरे भाई ये रईस दादा तो बड़े काम की चीज है, इसे अपने 99 के चक्कर में लेना ही पड़ेगा। सही बात है। मुंशी जी सुबह इतनी जल्दी क्यों हो जाती है? उठो बेटे उठो। मगन सिंह, गुड मॉर्निंग सर। एक ड्रिंक बनाओ।
कॉन्ट्रैक्ट हमें मिल गया है। ओह थैंक यू मिस्टर सक्सेना। यस सर। आप पार्कर एंड पार्कर में चले जाइएगा। 30 करोड़ का कॉन्ट्रैक्ट हमें मिला है। 30 करोड़ कागजात उनसे ले आइएगा। ओके सर। विकी उठ गया क्या? सर मैंने मुंशी जी को उन्हीं के कमरे की तरफ जाते हुए देखा था। ओहो हेलो यस मैं 10 मिनट में पहुंच रहा हूं। अभी आया। सर चाय। माखन सिंह तुमसे कितनी बार कहा है कि बोतलें जब खाली हो जाती हैं तो उन्हें फेंक देना चाहिए। गुड मॉर्निंग विकी। गुड मॉर्निंग डैडी। विकी शायद तुम्हें मालूम नहीं कि खाली बोतलों की भी कुछ कीमत होती है। और हाँ 11 तारीख को बिजनेस की बड़ी इंपॉर्टेंट मीटिंग है, वक्त पर पहुंच जाना। देखा मुंशी जी, बिजनेसमैन हो तो डैडी जैसा, इन्हें खाली बोतल की कीमत का तो एहसास है, लेकिन उनके बेटे की जिंदगी जो है खाली बोतल से भी बदतर है उसका कोई एहसास नहीं। 24 घंटे बिजनेस बिजनेस और बिजनेस। बेटे विकी बस बेटे। हाँ जरूर क्यों नहीं क्यों नहीं। अर्ज किया है कि जिगर का दर्द ऊपर से कहीं मालूम होता है। जिगर का दर्द ऊपर से कहीं मालूम होता है। बात को वाह 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 क्या बात है। अमर ठहरो यार, जरा शेर तो पूरा हो जाने दो। तुम तो गाड़ी लेकर के ऊपर ही चढ़े आ रहे हो। हाँ तो वो शेर ही भूल गए, क्या कह रहे थे हम? जिगर का दर्द। हाँ जिगर जिगर देखो। हाँ कि जिगर का दर्द ऊपर से कहीं मालूम होता है कि जिगर का दर्द ऊपर से नहीं मालूम होता है। बाबा के बच्चे, ए विक्की के चमचो, तुम इसके घटिया और बेहुदा शेरों पर दांत दे देकर उसे गुमराह कर रहे हो। हमारा शेर और घटिया घटिया? अरे इतना घटिया कि शेर ने शायरों की खटिया खड़ी कर दी। ख्याल घटिया, कलाम घटिया, ना रदीफ ना वजन, चले हैं शायर बनने बरकरदार। ये शेरों शायरी छोड़ दो, तुम्हारे बस की बात नहीं। क्या बात कर रहे हैं मुंशी जी। देखिए हमारी जिंदगी का तंबू 3 बंबुओं पे खड़ा हुआ है, शायरी, शराब और आप। एक भी बंबू हटाएंगे तो हमारा तंबू उखड़ जाएगा। तो फिर काफिये से बात करो, शेर में वजन पैदा करो। बस यही तो बात है मुंशी जी, ये कमबख्त वजन कहां से लाएं? देखिए रदीफ पकड़ते हैं तो काफिया तंग पड़ जाता है, काफिये को ढील देते हैं तो वजन गिर पड़ता है। ये वजन मिलता कहां है? दिल की दुकान पर। दिल की दुकान पर। वो कहाँ है? इश्क के बाजार में, मोहब्बत के शहर में और प्रेम की दुनिया में। मुंशी जी आपकी जितनी बातें हैं वो हमारे सर के ऊपर से जा रही हैं, जरा लेवल में बात कीजिए। हाँ आप कहना क्या चाहते हैं? देखो बेटा, दुनिया के हर बड़े आदमी के पीछे औरत का हाथ रहा है। शाहजहां की शोहरत में मुमताज का हाथ था, जहांगीर के इंसाफ में नूर जहां का इश्क शामिल था। अगर तुम अपनी शायरी में वजन पैदा करना चाहते हो तो तुम्हारी जिंदगी में किसी सुंदरी का होना बहुत जरूरी। लानत लानत है मुंशी जी, कहां औरत और कहां हम, हमें हमें क्या लेना देना औरत जात से। ओ वैसे भी मुंशी जी, हमारे बचपन से लेकर जवानी तक और आपकी जवानी से लेकर बुढ़ापे तक हमने तो आपकी जिंदगी में कभी किसी औरत का साया नहीं देखा, फिर आपकी शायरी में इतना वजन कहां से आ गया? कहीं ऐसा तो नहीं है कि हमें सुलाने के बाद आप जी 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 आपकी तारीफ। सरकार मुझे नटवर शाह कहते हैं। हाँ कहिए।
हुजूर, हम इस शहर में एक मशहूर कलाकार मीना जी का एक शो कर रहे हैं। अगर आप उस शो में चीफ गेस्ट बनकर आ जाएं, तो हमारे शो को चार चांद लग जाएंगे। भाई मुझे क्यों पिटवाने के चक्कर में, आप चांद तो एक ही होता है, ये बाकी के तीन आप कहां से लाएंगे? खैर आप ये मीना जी क्या लगते हैं? सरकार उनका सारा धंधा मैं ही देखता हूँ। धंधा जी? मेरा मतलब उनके सब शो मैं ऑर्गेनाइज करता हूँ, ऑर्गेनाइजर। और ये रही मीना जी की कुछ तस्वीरें एल्बम में, एक नजर मार लीजिए। मुंशी जी, अब आप कह रहे हैं तो हम चले जाते हैं। मैंने कब कहा है जी? अगर नहीं कहा तो फिर कह दीजिए प्लीज। भाई मैं कौन होता हूँ कहने वाला, इसकी अपनी मर्जी है। ठीक है, हम आ जाएंगे, लेकिन हमारी एक शर्त होगी। जी फरमाइए। वो हम मुंशी जी से कह देंगे। थैंक यू सर। शुक्रिया। सुनिए जी। जाइए। थैंक यू सर। क्या मजाक है विकी साहब? मजाक? कैसा मजाक? हम तो यहाँ चुपचाप बैठे हुए हैं, हमारे आसपास भी कोई नहीं है, फिर हम मजाक किससे करेंगे? वही तो मैं पूछ रही हूँ कि पब्लिक कहाँ है, ये हॉल खाली क्यों है? हाँ, ये हॉल खाली क्यों है? वो आपके नटवर शाह साहब हैं, वो हमारे पास आए थे, कहने लगे आप जैसे कलाकार की हौसला अफजाई करनी है, तो हमने सोचा कहाँ वो दर दर टिकट बेचते फिरेंगे, सारे टिकट हम ही ने खरीद लिए। बड़ी मेहरबानी की आपने। शायद आपको नहीं मालूम कि कलाकार सिर्फ तारीफ का भूखा होता है, पैसे का नहीं। तालियों की गूंज, लोगों की वाह, उसके दिल के आह के निशान मिटा देती है। वाह, ये तो बड़ी गहराई वाली बात कह डाली आपने। इतनी गहराई में तो हम कभी गए नहीं थे, ऊपर ही ऊपर तैर के निकलते रहे। जो बात की गहराई को नहीं समझता, वो किसी कलाकार की कला को क्या समझेगा? अगर आपको यही सब कुछ करना था तो किसी तवायफ के कोठे पर चले जाते, यहाँ आने की क्या जरूरत थी? तवायफ? कोठा मतलब हवा, आपको कोठे पर जाने वाले लगते हैं। मीना जी, हम तो यहाँ आपकी हौसला अफजाई करने आए थे, आपने तो हमें जलील करके रख दिया। देवी जी, कोठा क्या होता है, तवायफ किसे कहते हैं, ये ना हम जानते हैं और ना हम जानना चाहते हैं। अभी आपने हमसे कहा कि जो इंसान कलाकार की कला को न समझे वो इंसान नहीं होता, तो इस पर हम कहना चाहेंगे कि जो कलाकार इंसान को न समझे वो भी इंसान नहीं होता। पर हमने आपका दिल दुखाया, इसके लिए हम आपसे माफी चाहते हैं। चलिए मुंशी जी। चलो। वो क्या कहते हैं आप ऐसे मौके पर, बड़े बेआबरू होकर तेरे कूचे से हम निकले। हाँ ठहरिए, कहिए, बैठिए। भाई कमाल है मुंशी जी, कभी जाने को कहती हैं, कभी आने को कहती हैं। जी हाँ। क्या सुनेंगे आप? अब भी कुछ सुनाना बाकी है क्या? कर जब आप सुनाना चाहती हैं मीना जी, तो हम तो हमेशा ख्वाबों की दुनिया में जिए हैं, अगर आप कभी कोई ख्वाब हो तो सुना दीजिए, फिर इन हाथों का कमाल देखिए, इनसे आपको हजार तालियों की गूंज न सुनाई दे तो हमारा नाम भी विकी नहीं। अंग अंग तेरा रंग रचा के ऐसा करूं सिंगार, जब जब Yeah.
किसी को देख के सांसों
से गुजरता है नशा, नशे में कौन नहीं है मुझे बताओ जरा, किसे है होश मेरे सामने तो लाओ जरा, नशा है सब पे मगर रंग पिला दे रे सजनी दीवानी, थोड़ी आंखों से पिला दे रे सजनी दीवानी, तुझे मैं तुझे मैं तुझे सांसों में बसा दूंगा सजनी दीवानी, तुझे नौलखा मंगा दूंगा सजनी दीवानी, तुझे नौलखा मंगा दूंगा सजनी दीवानी। मैंने लाखों आदमियों के सामने शोक किए, लेकिन ऐसी दाद ना किसी ने दी और ना ही शायद कोई दे सकेगा। आप हंसे क्यों? हंसी, आजकल के दौर में हंसी की फसल उगती कहां है मीना जी? या तो दीवाना हंसे या तू जिसे तौफीक दे, वरना इस दुनिया में आकर मुस्कुराता कौन है? अरे वाह 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 बरकरदार वाह, हमारी बात सच निकली ना, आ गया ना शेर में वजन, बात को जितना बढ़ाओगे वजन और बढ़ता जाएगा। आपकी तारीफ? इनकी तारीफ क्या करें मीना जी, ये तो सर से पांव तक तारीफ ही तारीफ है। कहने को तो मुंशी जी हैं, लेकिन यूं समझ लीजिए कि हमारे माँ, हमारे बाप, हमारे बुजुर्ग, हमारे उस्ताद, हमारे सब कुछ यही है। देखिए बाबू,
आपने हमारे शो में आके चांद ही चांद लगा दिए। हाथ खोलो यार, ऐसा लगता है इलेक्शन में वोट मांगने के लिए खड़े हुए हो। हाँ सुनो साहब, हम आपके बहुत मशकूर हैं, ममनून हैं, एहसानमंद हैं कि आज आपने हमें यहाँ बुलाकर हमारी दुनिया बदल डाली। दुनिया बदल डाली? वो कैसे? वो ऐसे कि हम आपको क्यों बताएं? क्यों मीना जी, बता देना। हाँ तो नटवर जी, जी कल आप हमारे घर आ जाइएगा, एक जरूरी काम है आपसे। जी बहुत अच्छा। गुड मॉर्निंग मीना जी। अरे आप? नमस्ते। आप सुबह सुबह यहाँ कैसे? वो क्या मीना जी, विकी बाबू ने आपकी कला से खुश होकर आपके लिए तोहफा भेजा है। कौन विकी बाबू? वही शराबी जिसकी कल रात तुम तारीफ कर रही थी। हाँ बाबा वही। अच्छा मीना जी मैं चलता हूँ, आओ आड़ो। मीना जी आपके गीत के बोल अनमोल थे, उनके जवाब में इस कर्दान का नाचीज तोहफा कबूल कर लें तो हमें बहुत खुशी होगी। वो खुशी जिसके बारे में कभी सुना तो जरूर था, कल देख भी लिया और आज उसी खुशी को हासिल करने की तमन्ना कर बैठे। हमें उम्मीद है कि आप कदरदानी की हिम्मत अफजाई करेंगे। आपका एक शराबी। विक्की बाबू, आप आइए बैठिए, बैठिए ना। आंखें मूंद कर बैठे हों तसव्वुर में किसी के, ऐसे में कोई छम से आ जाए तो क्या हो। आपने तो यहां आके हमें चौंका दिया। और आपने इतना कीमती तोहफा देकर मुझे चौंका दिया। पसंद आया आपको? जी बहुत सुंदर है, पर मुझसे आपकी यह कीमती अमानत संभाली नहीं जाएगी। हमारे तोहफे को अमानत का नाम देकर उसे गाली मत दीजिए। तोहफा देने वाले की नीयत देखी जाती है, तोहफे की कीमत नहीं देखी जाती। आपकी नीयत की मैं बहुत कदर करती हूँ, लेकिन मेरी गरीबी के कंधे ये बोझ नहीं उठा सकेंगे। आपको अपने कदरदान के दिल का बोझ हल्का करने के लिए ये बोझ तो उठाना ही पड़ेगा। एक छोटी सी आरजू है, अगर पूरी हो जाए तो बड़ी मेहरबानी होगी। जी। 13 तारीख वैसे तो बड़ा मनहूस दिन होता है, लेकिन उस मनहूस दिन को हम इस दुनिया में उतारे गए। अब उतारे गए थे या फेंके गए थे ये तो हम नहीं जानते, लेकिन 13 तारीख को हमारा जन्मदिन है, और उस दिन अगर आप हमारे इस नाचीज तोहफे का लिबास पहन कर आ जाएंगी तो वो मेरे जन्मदिन का सबसे कीमती तोहफा होगा। जी, लेकिन लेकिन वेकिन की कोई गुंजाइश नहीं है। बस यूं समझ लीजिए कि आप कलाकार हैं और हम कदरदान हैं। बोलिए आएंगी ना? जी मैं वादा तो नहीं करती, कोशिश जरूर करूंगी। कोशिश जरूर कीजिएगा, क्योंकि वादे अक्सर टूट जाते हैं, कोशिशें कामयाब हो जाती हैं। इसलिए 13 तारीख को मैं आपकी उस कोशिश का इंतजार करूंगा। ठहरिए ठहरिए। मागन सिंह। यस सर। मीना जी को छोड़ के आओ। जी।
आप भी इतना समझ लें, मुझको समझाने के बाद आदमी मजबूर हो जाता है दिल आने के बाद। क्या ख्याल है आपका मुंशी जी, वो आएगी? जरूर आएगी। मीना जी, इस वक्त विकी बाबू के मन की लगाम आपके हाथों में आ गई है, और अब आप इस दौलत के घोड़े को जिस मैदान में चाहें दौड़ा सकती हैं। तरलम 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 तरलम। मीना जी, आप कहना क्या चाहते हैं? मीना जी, आपके एक इशारे पर विकी बाबू का रुख इस देश से विदेश की तरह मुड़ सकता है। फिर हम सारी दुनिया का टूर करेंगे, हर देश में आपका प्रोग्राम होगा, हम लाखों रुपए कमाएंगे। मीना जी, मैं आपको तनख्वाह के साथ साथ मुनाफे में भी हिस्सा दूंगा। मिस्टर नटवर्षा, मैं नहीं जानती थी कि आप मुझसे कभी ऐसे घटिया और बेहुदा बातें कर सकते हैं। मैं एक कलाकार हूं, मकार नहीं। मैं आपके फायदे के लिए विक्की बाबू को कभी धोखा नहीं दे सकती। मीना जी, मैं तो आप ही के फायदे की सोच रहा था। देखिए ना, विदेश में कितने बड़े बड़े डॉक्टर हैं जो जन्म के ही अंधों को आंखों की रोशनी देकर उन्हें दुनिया दिखा देते हैं। मीना जी, मैं तो आपके बाबा की आंखों की रोशनी के बारे में सोच रहा था। मैं धोखे की दौलत से अपने बाबा को फरेब की रोशनी नहीं देना चाहती। ओफो, मैं भी कहां अंधों में फंस गया। बाप आंख से अंधा, बेटी अकल से अंधी। शराब। मिस्टर सक्सेना, क्या बात है? ये सब लोग अभी तक गए नहीं, ओवरटाइम कर रहे हैं क्या? नहीं सरकार, वो बात ये है, अपने विकी बाबू आने वाले हैं। तो उनसे इन सबको क्या लेना? सर, उनको देखे हुए बहुत दिन हो गए ना, वो हमसे बहुत प्यार करते हैं, उनसे मिले बगैर हम कैसे जा सकते हैं? हाँ ठीक है, लेकिन तुम लोग उनसे बाद में मिल लेना, वो जैसे ही आए उन्हें अंदर भेज देना, बोर्ड के तमाम डायरेक्टर्स उनका इंतजार कर रहे हैं। ओके सर। नमस्ते छोटे मालिक। नमस्ते छोटे मालिक। नमस्ते छोटे मालिक। छोटे मालिक नहीं, ऐसे नहीं बोलते, बड़ा मालिक नाराज हो जाएगा। विकी बाबू, बड़े मालिक ने आपको अंदर बुलाया है। बड़े मालिक ने हमें बुलाया? आपको कहां से मिल गए बड़े मालिक? हम तो उन्हें बरसों से ढूंढ रहे हैं, हमें तो कभी दिखाई नहीं दिए। क्या बात करते हैं आप, रोज तो आप उनसे मिलते हैं, अभी बाहर आए थे, बोर्ड की मीटिंग में बुलाया आपको। ओहो, वो बड़े मालिक, हम ऊपर वाले बड़े मालिक की सोच रहे थे। भाई, ये नथुलाल जी कहीं दिखाई नहीं दे रहे, कहां हैं? सरकार, मैं तो आपके बगल में ही खड़ा हूं। नथुलाल जी, हमने आपसे कितनी बार कहा है कि जब भी हम यहाँ आए, अगल बगल नहीं, हमारे सामने रहा कीजिए, ताकि हम आपकी मूछें देख सके। भाई वाह, जवाब नहीं आपकी मूछों का, मूछें हो तो नथुलाल जी जैसी हो, वरना ना। ये तो आपका बड़प्पन है। मेरा बड़प्पन है? मूछें बड़ी आपकी और बड़प्पन हमारा? नहीं, बड़प्पन तो उसका होता है जिसकी मूछें बड़ी होती, हमारा तो कोई पन नहीं। ये देख, मैदान सफा चट है। एक बात कहनी थी मालिक। देखो यार, इतनी शानदार मूछों के मालिक हो करके हमें मालिक मत कहा करो, कहो क्या काम है? सरकार, अगले महीने में मेरी बेटी की शादी है। वाह, ये तो बड़ी खुशी का मौका है, हम अपनी बहन की शादी में जरूर आएंगे और तमाम जनता के सामने खड़े होकर के कहेंगे कि मूछें हो तो नथुलाल जी जैसी हो, वरना ना हो। नथुलाल जी, आपकी तीन बेटियां हैं ना? नहीं मुंशी जी, मेरी पांच बेटियां हैं। पढ़ाया लिखाया मगर कोई फायदा नहीं, जो भी शादी की बात करने आता है 25-30 हजार जहेज के लिए मांगता है। अब बड़ी लड़की की शादी के लिए मैंने 25 हजार रुपया बड़ी मुश्किल से जमा किया है। बड़ी लड़की? वो बाकी की चार जो हमारी बहनें हैं उनका क्या होगा? वही होगा जो तकदीर में लिखा होगा। हाँ, वही होगा जो तकदीर में लिखा होगा। मुंशी जी, ये तो मिसरा हो गया, जरा शेर पूरा कीजिए तो। दर बदर सर पटकने से भला क्या होगा, वही होगा जो तकदीर में लिखा होगा। वाह वाह मुंशी जी, क्या बात है, क्या शेर कहा है आपने, बड़ा वजन है इस शेर में, और लगे हाथ में नथुलाल जी का भी वजन कम कर देना चाहिए। हाँ सक्सेना साहब, जरा सुनिए जी। हमारे अकाउंट में से
नथुलाल जी को 2.5 लाख रुपए दे दीजिए। 2.5 लाख रुपया? हाँ सक्सेना साहब, 50,000 के हिसाब से हमारी 5 बहनों का 2.5 लाख बनता है। जाइए चेकबुक लेके आइए, हम अभी साइन किए देते हैं, कल का क्या भरोसा हम रहे ना रहे। नहीं सरकार, ऐसी बात मत कहिए, मेरे सारे खानदान की उम्र आपको लग जाए। अरे उठिए 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 नथुलाल जी, हम नहीं करेंगे ऐसी बातें। लेकिन नथुलाल जी मूछे हो तो नथुलाल जी जैसी हो, वरना ना हो आए क्यों से लो बट ठीक है हमने। यस सर। यस सर, ये इतनी दबी हुई आवाज क्यों मिस्टर लोबो, व्हाट इज योर प्रॉब्लम? छोटे मालिक, हमारी मदर बहुत सीरियस है, डॉक्टर बोला कि बड़े डॉक्टर से ऑपरेशन कराओ। हम ये बात कई बार बड़े मालिक से बड़े बड़े मालिक बड़े मालिक से क्यों, तुम ऑपरेशन कराओ। कहां से कराएगा सर, डॉक्टर 20,000 रुपए मांगता है, हम अपनी अखिल लाइफ का फंड जमा करेगा तो 20,000 रुपए जमा नहीं कर सकता। मिस्टर लोबो, तो इसमें मुंह लटकाने की क्या बात है, अपनी अपनी मदर से जाके बोलो कि अभी उसका सन जिंदा है, वो ट्रीटमेंट कराएगा। सक्सेना साहब जी, देखिए मिस्टर लोबो को 40,000 रुपए दे दीजिए। लोबो तुम जाओ ट्रीटमेंट करवाओ अपनी माँ का। थैंक यू सर। लेकिन अपनी माँ से बोलना कि वो जो तुम्हारा लॉर्ड है ना, उससे हमारे लिए दुआ मांगे। यस सर। तुम्हारी माँ हमारे लिए दुआ मांगेगी तो हमें ऐसा लगेगा कि हमें दुनिया मिल गई। यस सर। हमें दुनिया मिल गई तो हम सारी दुनिया के सामने खड़ा होकर के बोलेगा कि फ्रेंड्स, रोमन्स, कंट्रीमन, मूछे हो तो नथुलाल जी जैसी हो वरना ना। कपूर साहब, अब तो हद हो गई, बुलाई ना विक्की साहब को। अरे भाई बगाड़िया सेठ, अब तो हमें विक्की बाबू के कुछ नाजो अंदाज को बर्दाश्त करना ही पड़ेगा, क्योंकि कपूर साहब शराब की फैक्ट्री लगा रहे हैं, उसमें विक्की बाबू हिस्सेदार भी हैं और सबसे बड़े खरीदार भी हैं। जितनी भी शराब फैक्ट्री में बनेगी उसमें से आधी से ज्यादा विक्की बाबू ही पी जाया करेंगे। हाँ पी जाऊंगा, आधी से ज्यादा शराब तो मैं ही पी जाऊंगा, क्योंकि मैं शराबी हूं और वो शराब पीता हूं जो आप जैसे इज्जतदार लोगों की फैक्ट्री में बनती है। लेकिन मेरे शराब पीने से आप लोगों को इतराज क्यों? आज इस बोर्ड की मीटिंग में आप लोग क्या करने आए हैं? शराब की नई फैक्ट्री लगवाने आए ना, जहां लाखों शराब की बोतलें बनेंगी, हजारों शराबी और पैदा होंगे, इसका एहसास है आपको? अरे मेरे बाप के चमचों, मैं तो शराब पीता हूं लेकिन तुम लोग क्या पीते हो, इंसान का खून? विकी, मुझे शराब पीकर डगमगाता हुआ देखकर आप लोगों को हंसी आ रही, लेकिन अपना गिरेबान चीर कर तुम लोगों ने कभी अपने ईमान पे नजर डाली? वो तो एक धुत शराबी से भी ज्यादा डगमगा रहा है। विकी, विल यू कीप क्वाइट नाउ? कपूर साहब, व्हाट इज दिस? ये मीटिंग क्या हमें बेइज्जत करने के लिए बुलाई गई है? आपकी बेइज्जती कौन कर सकता है नाटा साहब, बेइज्जती तो उसकी हो सकती है जिसके पास इज्जत हो। दिस इज टू मच, अब तो हद हो चुकी कपूर साहब, अब हम और नहीं सुन सकते। कपूर साहब, आप अपने इस प्रोजेक्ट के लिए ऐसे आदमी चुन लीजिएगा जो आपके बेटे की गालियां सुनने के लिए तैयार हो, इसके बाद अगर मीटिंग होगी तो मेरे ऑफिस में होगी। चलिए। निकाल ली दिल की भड़ास, और अगर अब भी कसर बाकी है तो मुझे गालियां देकर अपने दिल की आग बुझा लो। ये लोग जो अभी अभी सब उठकर गए हैं, कभी किसी की जरूरत नहीं थी कि मेरे सामने सर उठाकर बात कर सके, और आज तुम्हारी वजह से ये लोग मीटिंग बर्खास्त करके चले गए। हाँ, ये तो वाकई बड़ा नुकसान हो गया डैडी, मेरी वजह से जो लोग आपके सामने सर झुकाया करते थे उनके सर उठ गए। मुझे नहीं मालूम था कि आप इतने गुलामी पसंद इंसान हैं, आपको तो गुलाम चाहिए जो मशीन की तरह बटन दबाए तो चल पड़े और बटन ऑफ करे तो रुक जाए।
आज की दुनिया में अगर जिंदा रहना है तो दुनिया के बटन अपने हाथ में रखने पड़ते हैं, वरना ये दुनिया जिंदा नहीं रहने देगी। हाँ डैडी, लेकिन आप एक बात भूल रहे हैं कि आप जैसे तमाम बटन वालों के ऊपर भी एक बैठा हुआ है जिसके हाथ में मेन स्विच है। जिंदगी, तकदीर, ये सब असली करंट तो वहीं से आता है। उसने अगर किसी दिन मेन स्विच ऑफ कर दिया तो? मैं तुमसे बहस करना नहीं चाहता। आज तुमने मेरा बहुत नुकसान कर दिया। मैंने तुम्हें जरूरी बिजनेस मीटिंग के लिए बुलाया था और तुम हो के यहां पर। बचपन से लेकर आज तक सिर्फ बिजनेस मीटिंग के लिए तो आपने मुझे बुलाया डैडी। जब से मैंने होश संभाला मुझे याद नहीं पड़ता कि बिजनेस के अलावा भी आपने मुझे किसी बात के लिए बुलाया हो। बुलाया आपने? तुमने होश संभाला ही कब था? एक लेबल की तरह शराब की बोतल से जो चिपके तो आज तक अलग ना हो सके। तुमने जिंदगी में शराब पीने और हंसने के अलावा और किया ही क्या है? शराब की बोतल पे अगर मैं लेबल की तरह चिपक गया हूं डैडी, तो इस लेबल को चिपकाने वाले आप हैं। और जहां तक हंसी का सवाल, मैं आपको बता दूं डैडी कि आज तक मैं अपनी जिंदगी में कभी हंसा नहीं हूं। मैं तो दुनिया की खोखली हंसी पर कह कह लगाता रहा हूं। आपने तो दूर से सिर्फ उन कहकहों की आवाज सुनी है, कभी कई बाकर के उन कहकहों में बंद छलकते आंसू नहीं देखे। ये कह कहे, आंसू, जज्बात, ये बेकार और नकारा लोगों की बातें हैं। मेरे पास इन चीजों के लिए फुर्सत नहीं है। और फिर तुम किस बात पर आंसू बहाते हो? कौन सा सुख नहीं है तुम्हारे पास? क्या कुछ नहीं दिया तुम्हें? हां डैडी, आपने मुझे वो सब दिया जिसे बाजार से खरीद के घर में सजाया जा सकता है, मगर वो सुख कभी नहीं दिया जिसे एक दिल में सजाया जा सके। तुमने फिर वही बातें शुरू कर दी। मैंने कितनी दफा कहा है कि ऐसी फजूल बातों के लिए मेरे पास वक्त नहीं है। ठहरिए डैडी, जहां इतनी फिजूल बातें हो चुकी हैं वहां थोड़ी और सही। आपको देखकर मुझे उस राजा की कहानी याद आएगी जिसे यह वरदान था कि वो जिस चीज को छू लेगा वो सोने की बन जाएगी। एक दिन गलती से राजा ने अपनी औलाद पे हाथ रख दिया और वो सोने की बन गई। राजा बहुत रोया, लाख पछता है, लेकिन फिर वो पुतला इंसान नहीं बन सका। आपकी कहानी भी यही है डैडी। इसीलिए आपने बचपन से लेकर आज तक मुझे अपने से दूर रखा, कभी करीब नहीं आने दिया। आपने तो वो गलती भी नहीं की जो उस राजा ने की थी। न कभी मुझे गोद में उठाया, न कभी सीने से लगाया, क्योंकि आपको यह डर था कि कहीं आपने मुझे छू दिया तो मैं भी सोने का ना बन जाऊं। मैं सोने का बन गया तो मेरे नाम पर आपने ये जो करोड़ों का कारोबार शुरू किया हुआ है, इसके कागजात कौन साइन करेगा? आपके चेक्स कौन साइन करेगा? डैडी, मैं एक बार आपको हंसते मुस्कुराते हुए देखना चाहता हूं। एक बार अपनी इस दौलत की दुनिया से बाहर निकल के तो देखिए। इस दौलत की दुनिया ने मुझे शराब में डुबोकर एक बेकार चलती फिरती लाश बना दिया डैडी। मैं तू दीवारों से बातें कर रहा है बेटे, कपूर सब गए। हाँ मुंशी जी, हमारे झोपड़े तोड़ने वाला। अब बस भी कर बेटे। मुंशी जी, ये शोर कैसा? विक्की बाबू। हाँ सक्सेना साहब, क्या बात है? ये लोग आपसे मिलना चाहते हैं। विक्की बाबू, हम लोग सिवड़ी में रहते हैं। बड़े साहब की तरफ से कोर्ट से हमें नोटिस आ गया है कि 48 घंटे के अंदर अंदर हम लोग बस्ती खाली करके चले जाएं। हम अपने बाल बच्चों को लेकर कहाँ जाएंगे साहब? सक्सेना साहब, ये सब क्या है? विक्की बाबू, बड़े मालिक ने कोर्ट की मदद से ये मुकदमा जीत लिया है। लेकिन वो जमीन असल में है किसके नाम? आपके नाम पे। आप जमीन के कागजात लेकर फौरन वहां पहुंचे, हम आपको वहीं मिलेंगे। आई मुंशी जी, देख लीजिए हजूर,
आप ही बताइए हम छोटे छोटे बच्चों को लेके आप कहाँ जाएं? विकी बाबू ये फाइल। सक्सेना साहब, एक महीने के अंदर इस बस्ती के सारे मकान इतने मजबूत बन जाने चाहिए कि हमारे बाप के इरादे उनकी बुनियादें ना हिला सके। जी। बस्ती के कागजात तैयार करवा के हमसे साइन करवा लीजिए। मॉर्निंग डैडी। आखिर तुम अपनी हरकतों से कब बाज आओगे? देखी, मेरा करोड़ों रुपए का प्रोजेक्ट तुमने बर्बाद करके रख दिया और साथ में वो कागजात भी जला दिए। क्या दुनिया भर के गरीबों को सहारा देने का ठेका सिर्फ अकेले तुमने ले रखा है? डैडी, पूत कपूत तो क्यों धन संचय, पूत सपूत तो क्यों धन संचय? मैं समझा नहीं। औलाद अगर अच्छी है, अकलमंद है, लायक है तो दौलत इकट्ठा करने की क्या जरूरत, और अगर वो नालायक नाकारा है तो दौलत इकट्ठा करने की क्या जरूरत? विकी, अगर तुम दोनों हाथों से इसी तरह दौलत लुटाते रहे तो एक दिन ऐसा आएगा कि डैडी, समुद्र में से अगर दो चार लोटा पानी कोई निकाल दे तो समुद्र को कोई फर्क पड़ता है क्या? अगर आपको ऐसा लगता है कि मैं आपका नुकसान कर रहा हूं तो आप मुझे बेदखल क्यों निकाल देते? विकी, मैं जब भी तुम्हें कोई बात समझाने की कोशिश करता हूं तुम फजूल की बातें करनी शुरू कर देते हो। खैर, कल तुम्हारा जन्मदिन है, भूल नहीं जाना। मुंशी जी, आप भी इसे याद करा दीजिएगा। हाँ मुंशी जी, आप भी मुझे याद करवा दीजिएगा कि कल हमारा एक खास मेहमान आने वाला है। अब जल्दी से केक काट डालो क्योंकि कुछ लोग हमारा इंतजार कर रहे हैं। अभी नहीं। क्यों? क्योंकि हमें भी किसी का इंतजार है। किसका? मुंशी जी, आप ही बताइए डैडी को हमें किसका इंतजार है? वो राय साहब। अच्छा, समझ गया, कोई खास दोस्त आने वाला है। अच्छा, तुम लोग एंजॉय करो, मुझे कुछ काम। काम? काम? आपका तो एक एक मिनट कीमती है डैडी। कोई खास मीटिंग होगी आपकी। बेटी, क्या हुआ? अरे इतना चीजें क्यों फेंक रही है? बाबा, एक और था, वो नहीं मिल रहा। तोहफा हम सब लोगों की तरफ से कबूल कीजिए। भाई वाह नथुलाल जी, इसे कहते हैं तोहफा। हम शराबी जरूर हैं लेकिन इतने बड़े नहीं। ये मूछ का क्या राज है नथुलाल? सरकार, आपको मेरी मूछें पसंद है ना, इसलिए आपका दिल रखने के लिए सारे स्टाफ ने ऐसी ही मूछें रखी है। सक्सेना साहब, आप ही? सक्सेना भाई नथुलाल जी, ये तो डबल तोहफा हो गया। आपके प्यार भरे इस तोहफे को हम जिंदगी भर अपने दिल से लगा के रखेंगे। प्यास से मर जाएंगे लेकिन इसे नहीं पिएंगे। सरकार, तोहफा पसंद आया ना? बहुत पसंद आया नथुलाल जी, बहुत पसंद आया। और अब आप मेहरबानी करके खड़े हो जाए। सरकार, क्या मुझसे कोई गलती हुई? गलती? भाई जब आप खड़े होंगे तो देखने वालों को कम से कम ये तो लगेगा कि दो शरीफ आदमी बैठ के बातें कर रहे हैं। अभी तो ऐसे लग रहा है जैसे हम खड़े हैं और आप बैठे हैं। चलिए खड़े हो जाइए। हाँ,
अब मामला कुछ लेवल पे है। सरकार क्या बात है नथुलाल जी? नथुलाल जी, जी जी सरकार। क्या बात है, आप इस तरह हमें घूर क्यों रहे? जी कुछ नहीं ऐसी। अरे आप सब लोग हाथ रोक के क्यों खड़े हैं? चलिए जाइए, खाइए पीजिए, ऐश कीजिए और जाइए। लेकिन सरकार आप पहले केक तो काट लीजिए। भाई जन्मदिन हमारा है, हम केक काटें ना काटें आपको क्या फर्क पड़ता है? केक तो आपको नहीं काट रहा, चलिए जाइए, हमें किसी का इंतजार। नटवर जी, आज मैं शो पर नहीं आ सकूंगी। क्यों? मेरा वो हार खो गया है जो विक्की बाबू ने दिया था। ओ, हार खो गया? अब मीना जी आप फिक्र क्यों करती हैं, विक्की बाबू आपको दूसरा हार दिला देंगे। लेकिन कुछ नहीं मीना जी, आप तो जानती हैं अगर आप स्टेज पर नहीं गई तो लोग मुझे जूते मारेंगे, कुर्सियां तोड़ देंगे। प्लीज नथुलाल जी बत्तियां बुझवाइए। जो हुक्म सरकार। ये सब आपकी वजह से हुआ है मुंशी जी, मेरा गर्क कर दिया आपने हमारा। आपके रदीफ काफिये ने हमारा काफी तंग कर दिया। औरत जब तक जिंदगी में ना आए मर्द की बात में वजन पैदा नहीं होता, यही कहा करते थे ना, अब देख लिया। बात में वजन पैदा करते करते हमारा वजन कम हो गया, अच्छे खासे शरीफ इंसान को मरवा दिया आपने। इससे पहले कभी हमें किसी का इंतजार करते हुए देखा है आपने? ये तो ऐसे लग रहा है कि जब से हम पैदा हुए हैं यहां बैठे किसी का इंतजार कर रहे हैं। ये मोमबत्ती बुझने से पहले अगर वो नहीं आए तो हमें मोमबत्तियों से हमेशा के लिए नफरत हो जाएगी। वो आएगी बेटे, जरूर आएगी। मेरा दिल कहता है कि चाहे कयामत आ जाए मगर वो आएगी। आएगी आएगी, चलिए आप कहते हैं तो मान लेते हैं। लेकिन मुंशी जी एक बात कहें, वो आएगी। बीना जी, ये विक्की बाबू वाला हार आपको मिल गया? नहीं, ये कांच के टुकड़ों के नकली हार है जिसे पहनकर आपके शुक्रिया करती हूँ। ओह, मैं तो समझा कि आपको असली हार मिल गया।
इंतजार की इंतहा हो गई इंतजार की आईना कुछ खबर मेरे यार की ये हमें इंतजार की जो है उसमें बात वो यहाँ कहीं नहीं किसी में वो है मेरी बस है मेरी शोर है यही गली गली में साथ साथ वो है मेरे गम में मेरे दिल की हर खुशी में जिंदगी में वो नहीं तो कुछ नहीं है मेरी जिंदगी में एतबार की इंतहा हो गई इंतजार की आईना कुछ खबर मेरे यार की ये हमें इंतजार की We'll be right back.
तो दिलों में जान आई, ऑटो पे तरन जगे अरमा दीवाने जगे, बाहों में आके तू ऐसे शर्माई, छा गई फिर वही बेखुदी। आज आपने हमारा सपना पूरा कर दिया, हमारे तोहफे की इज्जत रख ली आपने। इतनी खुशी हमें अपनी अपनी जिंदगी में कभी नहीं मिली। कितनी खूबसूरत लग रही हैं आप, वही बिंदी, वही टीका, वही लाली, गले में नौ लखा हुई। ए, ये क्या है? विक्की बाबू, ये नकली हार है। आपका दिया हुआ वो हार चोरी हो गया। मैं तो उसे आपके जन्मदिन पर तोहफे की शक्ल में लौटाना चाहती थी। भाई मीना जी, हमें तो मजाक करना आता ही नहीं है। देखिए, हमने अपनी जिंदगी में जब भी किसी से मजाक किया उसका दिल दुखा है। अब देखिए ना, हमने आपको नकली हार दिया, आपने नकली हार। तो क्या वो नकली हार था? हाँ, नकली हार था, और नहीं तो क्या, असली था। अरे भाई, आजकल तो बाजार में असली जहर नहीं मिलता। हार की तो बात छोड़िए, और फिर आपको 9 लाख रुपए का हार दे करके इनकम टैक्स वालों को अपने घर बुलाना है क्या? अजी लानत है, आज के बाद मजाक वजाक सब बंद, बिल्कुल बंद। आपके इस मजाक ने मेरा जीना मुश्किल कर दिया। उसे असली हीरों का हार समझकर ना मैं घर से बाहर निकलती थी, ना मैं रातों को सो सकती थी। ये गरीब लड़के को परेशान किया, उसका दिल दुखाया, क्या ये मजाक था? आपके इस मजाक को मैं कभी माफ नहीं करूंगी, कभी नहीं करूंगी। मीना सुनो, सुनो मीना, अरे सुनो मेरी बात, सुनो मीना। अरे क्यों मियां, ये क्या हिमाकत है? खड़े खड़े असली को नकली बना दिया, पूरे 9 लाख का चेक देकर मैं ये हार लाया था। भाई मुंशी जी, मौके की नजाकत देखिए, उसकी कोहिनूर जैसी हीरे की आंखें देखी आपने, एक एक आंख से मोती जैसा एक एक लाख का आंसू टपक रहा था। दो इस आंख से टपके, फिर दो उस आंख से टपके, कितने हुए? 4। फिर दो इस आंख से गिरे और दो उस आंख से गिरे, फिर दो इधर से और दो उधर से, कितने हुए? 12। एक एक लाख के हिसाब से पूरे 12 लाख हुए। इससे पहले कि वो और आंसू बहाए, मैंने कह दिया कि हार नकली है। अरे भाई, 9 लाख के हार के लिए 12 लाख के आंसू? डैडी को पता चलता तो कहते, नालायक, तुम्हें धंधा करना नहीं आता, मोहब्बत भी की तो वहां भी घाटा है। आइए पुलिस स्टेशन चलते हैं, चलिए। ठहरो ठहरो बरखुरदार, क्या बात है? अरे जाते कहां हो, ठहरो भाई। ओ अब चलो। नौ लाख का हार और आप कह रहे हैं कि छोटी सी कंप्लेंट है?
भाई मुंशी जी, ये दुनिया पैसे की इतनी दीवानी क्यों है? यहाँ हमने 9 लाख कहा, वहां इंस्पेक्टर का हाथ और कलम दोनों रुक गए। वहां अनवर मियां, हमें कीमत की परवाह नहीं है, हमें परवाह है उस हार की जिसे हमने उस कीमती गले के लिए खरीदा था। ये कौन सा कीमती गला है विकी बाबू, जिसके लिए आप इतने परेशान हो रहे? भाई अनवर मियां, यूं समझ लो कि तुम्हारी होने वाली भाभी है और अब उस हार का ढूंढना तुम्हारी जिम्मे। ओके। आइए मुंशी जी। गुड नाइट सर। आप यहाँ पुलिस स्टेशन? जी, हार की असलियत तो मैं जान गई हूँ, मगर आप क्या चीजें हैं अब तक मैं नहीं पहचान सकी। हाँ, हम चीज क्या है मुंशी जी, हम इन्हें बता दें कि हम चीज क्या है। बताएं। इंस्पेक्टर साहब, हाँ, कीमती गला। बाबा, मैं मीना को अपने घर की जीनत बनाना चाहता हूँ, लेकिन वो है कि उस शराबी की रखेल बनना चाहती है। ये क्या कह रहे हैं आप? मैं ठीक कह रहा हूँ, मीना को अपनी खूबसूरती पर बहुत नाज है। मैं उसके चेहरे पर तेजाब डालकर उसका चेहरा इतना भयानक बना दूंगा कि लोग भीख देने के लिए भी उसके पास नहीं आएंगे। छोड़ दीजिए आप। बाबा, आप उसे समझाइए, वरना पुलिस वालों को तुम दोनों की लाशें ऐसी हालत में मिलेंगी कि पता नहीं चलेगा कि बेटी कौन है और बाप कौन। नहीं, नहीं। सारा जहर उगल चुके हो या अब भी कुछ बाकी है? बेटी, मैं ये सब क्या सुन रहा हूँ? बाबा, आप कदमों की आहट सुनकर आने वाले को पहचान लेते हैं, लेकिन अपने बेटे को नहीं पहचान सके। मगर बेटी, तुम्हारे बारे में ये नटवर साहब। नटवर साहब, इनकी असलियत आज मैं बताती हूँ। इस दौलत के लालची ने कई बार मुझे अमीरों के साथ भेजना चाहा, मगर मैंने इनकार कर दिया। और तो और, विक्की बाबू की दौलत को लूटने की साजिश में इसने मुझे साथ मिलाना चाहा। अगर दो वक्त की रोटी के लिए यही सब कुछ करना है तो इसे भूखे मर जाना कहीं बेहतर है। मिस्टर नटवर साहब, मैं ठोकर मारती हूँ आपके ऐसे मेहरबानियों पर। मुझे नहीं चाहिए ऐसे जलील एग्रीमेंट। एंड नाउ गेट आउट फ्रॉम हियर। जाता हूँ, मगर याद रखना, ये जो आपने मुझे इज्जत बख्शी है, इसके बदले में मैंने तुम्हें टके टके पर नहीं नचवाया तो मेरा नाम भी नटवर शाह नहीं। अब क्या होगा? बाबा, आप फिक्र मत कीजिए, मुझे टीवी पर नौकरी मिल गई है और आज ही शाम मेरा पहला प्रोग्राम है। नमस्कार, आज पहली बार हम आपके सामने पेश कर रहे हैं स्टेज की मशहूर कलाकार गले। मुंशी जी, आप बैठिए, हम अभी आते हैं। मीना को छोड़ के तो मैं यहीं गया था, फिर यहां से वो शायद बाएं गई, नहीं वो लानत है यार, अच्छा हुआ
पोस्टमैन नहीं थे वरना किसी की चिट्ठी किसी के भी घर नहीं पहुंच पाती। भाई साहब जरा बात सुनिएगा एक मिनट। ये इस कॉलोनी में मीना जी रहती हैं, शायद आप उन्हें जानते हो, बड़ी मशहूर कलाकार हैं। अभी अभी टीवी पर उनका गाना आ रहा था, आप उनका पता बता सकते हैं? अरे ये चाकू। हाँ ये चेन सोने की है भाई साहब। हाँ हाँ निकालो। ये घड़ी के लिए आप चाकू मुझे। हाँ ये घड़ी निकालो, घड़ी निकाल। देखिए आपकी अंगूठी बड़ी खूबसूरत है और मेरे हाथ भी खाली हैं। देखिए सब कुछ ले लिया आपने, अब तो मीना का पता बता दीजिए आप। बताते हैं, पहले जरा जेब तो हल्की करो। लीजिए बटुआ भी ले लीजिए, क्या है कुछ नहीं। भाई साहब ये रुमाल मेरी जिंदगी से। अब तो मीना का पता बता दीजिए। बताओ। बहुत आसान है, यहाँ से सीधे चले जाओ, वहाँ बाईं तरफ बहुत सारी बिल्डिंग है, वहाँ नीचे खड़े होकर मीना मीना चिल्लाओ, जहाँ भी होगी आ जाएगी। ये तो अजीब ही बात हो गई, कमाल है भाई, हमारा सारा माल ले लिया, ऊपर से मीना का पता भी नहीं बताया। खैर भगवान आप लोगों को खुश रखे। चलो पीटर की बार पे जाके रोकड़ा दारू पीते हैं। मैं मीना का पता कर ही लूंगा। मीना मीना मीना। बैंड वाले भाई साहब एक मिनट, क्या है कि हमारी मीना यहाँ कहीं ऊपर रहती है, हमें उसका पता मालूम नहीं, आप थोड़ा बाजा बजाएंगे हैं, पैसे बाद में हैं। एक दो तीन चार। ये क्या किया आपने इतनी रात? भाई टीवी पर तुम्हारा गाना सुना, तुम्हें देखा, रहा नहीं गया, चले आया। कहते हैं कि लोग प्यार में लुट जाते हैं, आज तो हम वाकई लुट गए। लुट गए? वो कैसे? अब क्या बताएं तुम्हें, चलो बता देते हैं। बताएं। शरीफ लोग बड़ी मुश्किल से मिलते हैं। एक आप है, एक साले वो चार बदमाश थे। कौन भाई? अरे वही, दिखने में तो आप ही जैसे थे, लेकिन एक आप है, एक साले वो थे। हमने अपनी मीना का पता क्या पूछ लिया, बच्चे से साले ने चाकू निकाल लिया और हमारी गर्दन पे लगा दिया और
हमारा चेन उतार ली, उसके बाद एक शख्स से क्या बात है, पियो पियो ले, हमारी घड़ी उतार ली, फिर एक ने यूं किया और हमारा बटुआ निकाल लिया, फिर हमारी अंगूठी उतार ली। लेकिन भाई साहब अफसोस जिस बात का है वो ये कि हमारे दिल की सबसे कीमती चीज वो रुमाल हमसे छीन के ले गए। अरे भाई, पर ये वाकया हुआ कहा? ये जो नुक्कड़ है, मैं यहाँ से जा रहा था और सालों ने मुझे दबोच के कंगाल बना दिया एकदम। देखिए आप लोग तो बहुत शरीफ लोग मालूम पड़ते हैं, एक आप है एक साले वो थे, अगर आपको वो मिले तो उनसे कम से कम मेरा वो रुमाल आप वापस ले लीजिएगा। हम कोशिश करेंगे। बड़े शरीफ लोग हैं, एक आप हैं एक एक वो थे। अच्छा पियो, अरे जरा सोडा देना भाई, पीजिए पीजिए, मैं चलता हूँ। सबसे जरूरी बात तो बताना मैं भूल ही, भाई साहब आप जरा खड़े होंगे। वो जो हैं चार बड़े बदमाश हैं, वो हराम के ढक्कन बात बात पे चाकू निकाल लेते हैं। अगर आपकी उनसे मुलाकात हो तो सबसे पहले तो आप इस चाकू को फेंक दीजिए, फिर कुर्सी हटा करके एक को तो आप, फिर दूसरे की गर्दन पकड़ के पहले तो उसे पेट में मार, फिर हाथ घुमाना तो वो वहां जाकर के मतलब अभी वक्त है, अभी वक्त है, बाद में ये दोनों खड़े होंगे और एक तो ये दोनों यहाँ गिर गए। अब वो जो पहला वाला था ना, वो उधर से उठेगा और हाथ मारते ही उसे कुआ करके सिर लपाया और यूं दिया, अब ये यहाँ गिर गया। अब वो जो पहले वाले को हमने मारा था वो आहिस्ते आहिस्ते उठेगा और उठने के बाद अपना बाया हाथ उठाएगा और मारा तो हाथ लेकर बताना भूल ही गया कि उनमें से एक आध ऐसा भी होगा जो बिना बटाए हैडाक कर देगा, तो उन लोगों के लिए ऐसा करना चाहिए कि पहले दिया, फिर वो जो एक बार पहले धीरे धीरे पीछे से आया था वो दोबारा आएगा, आकर के पीछे से पकड़ लेगा। लो भाई हाँ, इसकी परवाह मत करना, ये कुछ कर नहीं सकेगा, थोड़ा सा हिलाए डुलाएगा लेकिन कुछ करेगा नहीं, करेगा सामने वाला, वो जैसे ही पंच मारेगा उसे घुमा करके दूसरे को घुमा के ऐसे दबोचेगा। अब ये तीन तो हो गए और क्यों पॉइंट बचा चौथा, चौथा जो है वो सबसे पहले ये करेगा कि सामने आएगा और एक पंच मारने की कोशिश करेगा तो एक को आगे कर देगा, ये गया, फिर दूसरा पंच मारने की कोशिश करेगा तो दूसरे आगे कर देगा, फिर वो तीसरे को मारने की कोशिश करेगा तो तीन चले गए, अब बचा चौथा, तो इसको ऐसे खत्म। तुम्हारा साइज छोटा कैसे हो गया? ओ हाँ तो मेरे शरीफ भाइयों, एक आप हैं, एक साले वो बदमाश थे, वो हराम के ढक्कन इतनी आसानी से छीना हुआ माल वापस नहीं देने वाले, उनका तो एक एक का गिरेबान पकड़ के पूछना पड़ेगा कि बोल गए चेन कहाँ, तो वो चेन निकाल के देगा, फिर दूसरे का गिरेबान पकड़ के पूछना पड़ेगा कि क्यों घड़ी कहाँ है, तो वो घड़ी निकाल के देगा, और इससे पहले कि आप तीसरे का गिरेबान पकड़ के पूछें वो खुद ब खुद बटुआ और अंगूठी निकाल के दे दे। अब रहा सवाल उस रुमाल का, जिसकी वजह से बात बहुत आगे बढ़ सकती है,
तो वो रुमाल। हाँ, वो रुमाल ये तो नहीं? हाँ यही तो है वो रुमाल, तुम्हें कहाँ से मिला? साहब इन लोगों ने यहाँ फेंक दिया था। देखो बच्चा, इस रुमाल के लिए मैं अपनी सारी दौलत दे सकता हूँ, लेकिन फिलहाल मेरे पास इस बटुए में जितने पैसे हैं वो सब तुम्हारे। इतने सारे? ये तुम करते क्या हो? साहब मैं दिन में पढ़ाई करता हूँ और रात को यहाँ नौकरी करता हूँ। देखो बच्चा, तुम खूब मन लगा के पढ़ना, और आइंदा कभी किसी और चीज की जरूरत पड़े तो मेरे पास आना। हाँ जाओ। हाँ तो मेरे प्यारे शरीफजादो, बस एक बात और, उन हराम के ढक्कनों से कह देना कि आइंदा अगर कोई मीना का पता पूछे तो सही पता बताए। नहीं, उन हराम के ढक्कनों से कहना कि आइंदा अगर कोई मीना का पता पूछे तो पता ना बताएं। नहीं, एक आप है एक वो थे। माल तो चोखो है पर इतने दाम कोई नहीं दे। जो देना है वो दीजिए जल्दी। तुम्हारा हिसाब किताब तो मैं पुलिस स्टेशन में चल के करूंगा। आइए सेठ जी, चलिए, चोरी का माल खरीदना भी जुर्म है, चलो। वक्त तो हो गया भाई, ये तो बिल्कुल स्वयंवर जैसी बात हो गई है। पर सिर्फ इतना है कि पहले जमाने में लड़कियां अपना वर खुद चुनती थी, और आज लड़का अपनी पत्नी को चुनेगा, बस आता ही होगा। हाय मुंशी जी। आओ बेटा। राखियां बनवाते बनवाते तो हम थक गए आज। ये और बहने अब तो हमारे हाथ में जगह भी नहीं रही। ऐसा बोलो, ये बहने नहीं हैं, तुम्हारे रिश्ते के लिए आई हैं। रिश्ता? हाँ, हम अब तुम्हारा घर बसा देना चाहते हैं। पीकर तो नहीं आयो ना? नहीं नहीं, पी के बिल्कुल नहीं आया। वैसे आज के दिन तो हम पिएंगे भी और पिलाएंगे, क्यों साहब? थैंक यू वेरी मच, हम चाय पी चुके हैं। अजी लानत है साहब, चाय भी कोई पीने की चीज है? जिसने पी नहीं उसकी किस्मत फूट गई उसकी। आप इसकी बात का बुरा ना मानिएगा, विकी को तो मजाक करने की आदत है। वो तो हम भी जानते हैं। डरे आप हमारी तरफ इस तरह गुस्से से क्यों देख रहे हैं? अरे भाई हमारा परिचय करवाइए, ये हमारी जिंदगी का सवाल है। बिना जान पहचान के भाई रिश्ता तो एक तरफ, हम किसी से दुश्मनी नहीं करते। बोलिए साहब क्या नाम है आपका? मिस्टर गोरे। बताइए। और ये है मेरी बेटी मिस काजल। और बताइए, दुनिया भर की कालक तो आपने अपने जिस्म में समेट रखी है, अपने आप को गोरे कहते हैं? आपसे मिलकर बड़ी काली खुशी हुई। जी मिस लाली मेरी बेटी, और मैं गोवर्धन दास, यहाँ के पेपर किंग। पेपर किंग यानी कागज के बादशाह। कागज की नाव के बारे में तो सुन रखा था, आज बादशाह से भी मुलाकात हो। भाई साहब जरा भीड़ भाड़ में संभल के चलिएगा, कहीं किसी का हाथ पड़ गया तो फट जाएंगे। रुस्तम जी बंदूक वाला। रुस्तम भी और बंदूक भी, भाई कमाल है आपका दोस्त। और ये है मिस्टर खैतान सीमेंट किंग। ओहो बड़ी खुशी भी आते। अरे बताइए, सीमेंट के किंग एक हाथ पड़ाने की बैठ गए, अब पता चला कि शहर की बिल्डिंगें इतनी जल्दी क्यों बैठ जाती हैं? आपके मुंह से तो कुछ मिलावट की बू आ रही है सेठ। आप लोग विकी की बात को सीरियसली ना लीजिएगा, मेरे बेटे को तो मजाक। ओहो कौरस वक्ता साहब आकाशवाणी में काम करते थे पहले जी, आपकी तारीफ। मुझे चिराग दारू वाला कहते हैं। दारू वाला भाई, आपकी और हमारी खूब जमेगी। चिराग जलने के बाद जो दारू पीने का मजा है वो सिर्फ आप जानते हैं या हम जानते हैं, और कोई नहीं जानता। विकी इधर आओ। मजाक की भी कोई हद होती है, तुम्हें इनमें से एक लड़की के साथ शादी करनी है। एक से क्यों डैडी, मैं आठों से शादी नहीं करी। चुप रहो। हाँ लेडीज एंड जेंटलमैन, अगर आप लोगों को एतराज न हो तो अपने बेटे के लिए मैं आपकी बेटियों से एक बात करना चाहता हूँ। हाँ तो मैं अपने विकी की शादी उस लड़की से करूंगा जो इसकी शराब छुड़वा दे। अंकल ये तो मेरे बाएं हाथ का खेल है, इनकी शराब तो मैं एक ही रात में छुड़ा सकती हूँ। अरे तू क्या शराब छुड़वाएगी, तू तो खुद टिका के पीती है। ये देखिए अंकल, तू कौन सी सती सावित्री है, साथ साथ बॉयफ्रेंड रखती है। मंडे को एक, ट्यूसडे को दूसरा, वेनसडे को तीसरा, थर्सडे को चौथा, फ्राइडे को पांचवा और सैटरडे को छठा। अरे तेरी तो संडे को भी छुट्टी नहीं होती है। अब अंकल जरा इनकी भी तारीफ सुन लीजिए,
वो क्या है कि वो हर बार एक नए बॉयफ्रेंड से मिलवाती हैं, ये कहकर कि वो इनके कजिन हैं। यू डटी बिच। आप मेरी होने वाली पत्नी हैं? जी। और मेरी होने वाली पत्नी से आप मार खा गई? हाँ हाँ हाँ। हट जाओ सामने से। मंत्री जी, क्या ख्याल है आपका, ये काली वाली जीतेगी या सफेद वाली? ये देख लीजिए, ये पीली वाली, ये पीली वाली को भी पटक दी। मुंशी जी, मुझे लगता है ये पीली वाली बहुत जल्द नीली पड़ने वाली है। शादी कर रही है। अरे अरे, ना क्या हो गया? क्या दृश्य है मुंशी जी, दुशासन ने द्रौपदी की साड़ी उतारी थी ये तो सुन रखा था, लेकिन द्रौपदी द्रौपदी की साड़ी उतारी ये तो पहली बार देखने को मिल रहा है। मुंशी जी, आपके देखने लायक चीज नहीं है, चलिए। क्यों गवर्धन, मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। बात दरअसल ये है कि विकी को वो मजाक करने की आदत है। कपूर साहब, कभी कभी कुछ मजाक महंगे भी पड़ जाते हैं। खामोश। पहले तुमने मुझे घर आए हुए मेहमानों के सामने जलील किया, मेरी इज्जत खाक में मिला दी, और अब एक नाचने वाली का रिश्ता लेकर आए हो। डैडी, अगर आप किसी की इज्जत नहीं कर सकते तो उसकी बेइज्जती करने का भी आपको कोई हक नहीं है। मीना आपकी होने वाली बहू है, क्या इस घर में बहू बेटियों को इसी नाम से बुलाया जाता है? और अगर मीना एक नाचने वाली है तो आपकी पसंद की वो लड़कियां कौन थी जो आज सबके सामने एक दूसरे का पोल खोल रही थी? चलते फिरते इश्तेहार, गली गली में बिकने वाली वो गंदी खुली किताबें जिन्हें कोई भी पढ़ सकता है। अच्छा, तो इस घर के फैसले तुमने कब से करने शुरू कर दिए हैं? डैडी, मीना मेरी जिंदगी, मेरा प्यार है, आपका कारोबार नहीं। अपने कारोबार के फैसले आप कीजिए, लेकिन अपनी जिंदगी के फैसले करने का मुझे पूरा हक है। देखो विकी, अगर तुम उस दो कौड़ी की नाचने वाली को इस घर की बहू बनाकर लाना चाहते हो तो कान खोल कर सुन लो, ये मेरा घर है, किसी नाचने वाली का कोठा नहीं जहां सुबह शाम घुंघरों की जंकार सुनाई दे। तुम इस घर की शान और शौकत देखो, और उस लड़की की हैसियत, ये पुतला देखते हो, अंटीक, 2.5 लाख रुपए का, और ये दो पुतले 3.25 लाख रुपए के, और वो देखो, वो तुम्हारे लिए खास मैं पेरिस से खरीद कर लाया था 12 लाख रुपए में, ये कालीन, ये झूमर 5 लाख रुपए का, तुम्हारे इस कमरे की सजावट में मेरा कम से कम 50 लाख रुपया लगा होगा, 50 लाख, और तुम इन कीमती चीजों के बीच रहने वाले राय साहब अमरनाथ के इकलौते बेटे, महफिलों में नाचने वाली को लाकर यहां बिठाना चाहते हो, तो इस घर की खूबसूरती में एक बदमाश दाग लगा देगी, धब्बा लगा देगी। देखो विकी, मैं मखमल में हीरे जवाहरात जड़ने का शौकीन हूं, टाट का पैवन लगाने का नहीं। तुमने आज तक जो चाहा, जैसे चाहा किया, मैं कुछ नहीं बोला, लेकिन आज दोबारा कान खोल कर सुन लो, मेरे जीते जी कोई नाचने वाली इस घर की बहू बनकर इस घर में कदम नहीं रखेगी, समझे? मेरे जीते जी, अगर कोई नाचने वाले को बनकर बहू बनाकर लाना चाहते हो, नहीं रखेगी, कान खोल कर सुन लो, ये मेरा घर है, किसी नाचने वाली का कोठा नहीं, जहां सुबह शाम लोगों की जनकार तुम्हारे इस कमरे की सजावट में, अगर तुम उस दो कौड़ी की नाचने वाली को घर की बहू बनाकर लाना चाहते हो तो कान खोल कर सुन लो, ये मेरा घर है, किसी नाचने वाली का कोठा नहीं, जहां सुबह शाम लोगों की जनकार तुम्हारे इस कमरे की सजावट में, अगर तुम उस दो कौड़ी की नाचने वाली को घर की बहू बनाकर लाना चाहते हो तो कान
बेटा जिन्हें मखमल पर हीरे चढ़ने का शौक है ताज के पेवंत नहीं, 50 लाख खर्च किए उन्होंने इस कमरे की सजावट में, ये 2.5 लाख का ये पुतला, ये पैरिस का 12 लाख का पुतला, ये झूमर 5 लाख का, ये कालीन, और तुम क्या हो है? एक नाचने वाली, तुम्हारी औकात क्या है? चली जाओ नहीं तो मेरा बाप तुम्हें धक्के मार के निकाल देगा, चली जाओ। चली गई मीना, तुम लोगों की वजह से मेरी मीना चली गई, तुम सब मेरे बाप के लाए हुए जर खरीद गुलाम हो, मेरे बाप की तरह जब भी तुम्हें मौका मिला दौलत की बर्छियों से मेरे एहसास को चीर के निकल गए तुम लोग, मेरे जमीर को सुनहरे खंजर से काट के टुकड़े टुकड़े कर दिए। तुम सब मेरी वो खुशियां हो जो मुझसे छीन ली गई है और नुमाइश का सामान बनाकर मेरे घर में लगा दी गई। तुम्ही ने मेरे बाप को यह एहसास दिलाया कि मुझे खुशी पाने का कोई हक नहीं, तो फिर जिस घर में प्यार नहीं वहां प्यार की मोहब्बत क्यों? जिस घर में इंसाफ नहीं हुआ इंसाफ का पता क्यों? जिस घर में रोशनी नहीं वहां खबर क्यों? जिस घर में मेरी विक्की मिला नहीं वो विक्की क्या कर रहे हो? मीना विक्की मीना विक्की मीना विक्की 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 मेरे बच्चे होश में आ, होश में। मुझे तुमसे कुछ बातें करनी हैं। जल्दी ऊपर आओ, मेरे पास वक्त कम है। मुंशी जी आप वहीं ठहरिए। कोई नहीं होगा, चली जाओ यहां से। गेट आउट। क्या हुआ मैंने बेटे? कुछ नहीं मुंशी जी, मैं अपनी औकात भूल गई थी। विक्की के पिताजी ने मुझे एहसास दिला दिया कि हम लोग जो उनके पांव के धूल तक नहीं छू सकते उनके बेटे का हाथ कैसे थाम सकते हैं।
अरे भाई सुनो। जी साहब। यहाँ मीना जी रहती थी, कहाँ गई? वो तो चली गई साहब। चली गई मतलब? आज ही सेट छोड़ के गई। तुम्हें कैसे मालूम? मैं उन्हीं के पास काम करता था। भाई और बहनों, कपूर साहब ने कितने स्कूल बनवाए, धर्मशालाएं बनवाई, यतीम खाने बनवाए, अस्पताल बनवाए, आप लोगों की कितनी सेवा की है ये तो आप सब बहुत अच्छी तरह जानते हैं। मगर अब चुनाव जीतने के बाद कपूर साहब आप लोगों को उतना ही प्यार देना चाहेंगे जितना एक बाप अपनी औलाद को देता है। झूठ बोलता ये। ये झूठ बोलता है। एक औलाद तो संभाल नहीं सके, करोड़ों मुंह बोली औलाद संभालने निकले हैं। मुझे देखिए, मैं हूं इनकी इकलौती औलाद। बचपन से जो शराब में डुबोया तो आज तक डगमगा रहा हूं। मेरी जितनी उम्र है उतने मिनट भी नहीं बिताए इन्होंने मेरे साथ। आप लोगों को प्यार क्या खाक देंगे? ऐसा नहीं कि इनके दिल में प्यार नहीं है, प्यार है, बहुत प्यार है, लेकिन सिर्फ दौलत के लिए। ये इंसान नहीं है, ये तो मशीन है। ऐसी मशीन जो सिर्फ नोट छापती है और नोट खाती है, बस और कुछ नहीं। दुनिया को रोटी की भूख है, इन्हें नोटों की भूख है। इन्हें प्यार नहीं, इन्हें तो दौलत का नशा है, दौलत का। मेरी वीरान जिंदगी में मुझे भी थोड़ा सा प्यार मिला था, मगर इन्होंने दौलत की तलवार से मेरे प्यार का गला काट दिया। ऐसे कातिल से आप प्यार की आस लगाए बैठे हुए हैं? देखिए बाबू, ये क्या कह रहे हैं आप? ठहरिए सक्सेना साहब, हमारी बात अभी पूरी नहीं हुई। मेरे प्यारे गरीब भाइयों, आज तक मैं इनकी दौलत के दलदल में सिर्फ इसलिए फंसा रहा क्योंकि मैं आप लोगों को भूख और गरीबी के दलदल से निकालना चाहता था, आपके गमों को बांटना चाहता था। लेकिन आज के बाद मुझ पर आस मत रखिएगा, क्योंकि आपके सामने मैं विनती करता हूं अपने बाप से कि वो मुझे अपनी दौलत से बेदखल कर दें, आजाद कर दें मुझे इस कैदखाने से। बड़ा अफसोस हो रहा है मुझे, मैं तो समझता था कि मैं एक करोड़पति बाप की औलाद हूं, लेकिन आज मालूम पड़ा कि मैं तो एक भिखारी की औलाद हूं। जो आप सब लोगों के सामने इस वक्त वोटों की भीख मांगने के लिए हाथ फैलाए खड़ा हुआ, बड़ा अफसोस हो रहा मुझे, बड़ा अफसोस हो रहा। मुंशी जी आप यहीं ठहरिए। विकी बाबू। हाँ अनवर, कैसे हो? मैं तो ठीक हूं, लेकिन आज मैंने आपका बहुत ही अजीब रूप देखा। फूल बरसाने वाली जुबान से अंगारे बरस रहे थे। जब आग लगती है इंस्पेक्टर तो धुआं तो उठेगा ही। आखिर बात क्या है, कुछ बताइए तो सही। अब क्या बताएं इंस्पेक्टर, हमारी तो जिंदगी ही खो गई। आप कंप्लेंट लिखवा दीजिए, मैं ढूंढ दूंगा। हाँ छोड़ो इंस्पेक्टर, एक हार तो ढूंढ नहीं सके, हमारी जिंदगी ढूंढोगे तुम। विकी बाबू, मैं आपको यह साबित कर दिखाऊंगा कि हम पुलिस वाले तिजोरी की दौलत के साथ साथ दिल की दौलत भी ढूंढ सकते हैं। खैर, आज मेरी जिंदगी का बहुत बड़ा दिन है और मैं ये चाहूंगा कि आप आज शाम। हाँ हाँ हाँ, एक मिनट एक मिनट। खुशी के मौके पर मायूसों को नहीं बुलाना चाहिए, महफिल बिगड़ जाती है। विकी बाबू, जिनका अपना दिल टूटा होता है वो औरों का दिल नहीं तोड़ा करते। आप अगर नहीं आएंगे तो मैं ये शाम बिल्कुल नहीं मनाऊंगा। अच्छा भाई, हम आ जाएंगे आज शाम को, है ना? जी, मैं आपको लेने खुद आऊंगा। अच्छा, खुदा हाफिज। आज का दिन मेरे लिए बहुत ही मुकद्दस दिन है विकी बाबू। बरसों पहले आज के दिन किसी फरिश्ते ने मेरी बेसहारा जिंदगी को सहारा दिया और मुझे इस मंजिल तक पहुंचा दिया। मैं जानता नहीं कि वो फरिश्ता कौन है, कहां है, लेकिन खुदा से ही दुआ है कि वो जहां भी हो
दुनिया की हर खुशी उसे नसीब हो। उसी की याद में मैं ये दिन सेलिब्रेट किया करता हूं। लेडीज एंड जेंटलमैन, ये है मेरे बहुत ही अजीज दोस्त मिस्टर विकी कपूर। अरे भाई अनवर मियां, इन्हें कौन नहीं जानता? फिर तो आप सब ये भी जानते होंगे, इन्हें शेरो शायरी का बहुत शौक है। क्यों विकी बाबू, आज इस खुशी के मौके पर कुछ हो जाए? भाई इंस्पेक्टर, एक टूटे हुए दिल से खुशी का राग तो निकल नहीं सकता है, लेकिन अभी तुमने मंजिल तक पहुंचने की बात की तो उससे कुछ याद आया हमें, वो सुना देता हूं। मंजिलों पे आके लुटते कश्तियां साहिल पे अक्सर डूबती है प्यार की।
संग दिल मेरा सनम क्या करे जोशे जुनून और हौसला फिर क्या करे मंजिले अपनी जगह है रास्ते अपनी जगह जब कदम ही साथ ना दे तो मुसाफिर क्या करे यूं तो है हम दर सफर भी है मेरा बन के कोई हाथ ना दे दिल भला फिर क्या करे निकी बाबू निकी बाबू आधी खुशी देकर वापस जा रहे हैं आपने वादा किया था मेरे घर में झांक कर जरूर देखेंगे भाई इंस्पेक्टर देखो ताड़ा झांकी की हमारी आदत तो है नहीं लेकिन अब तुम कहते हो तो देख लेते हैं आइए मैं आपका बेहद शुक्रगुजार हूं आइए विक्की बाबू मोस्ट वेलकम हाँ वाह बहुत खूब घर थोड़ा छोटा है लेकिन अगर हो तो मैं सही हो तुम कहां चली गई थी मीना मैं तो इस भरी दुनिया में बिल्कुल अकेला हो गया दोबारा ऐसी सजा मुझे मत देना तुम खो जाओगी तो क्या फिकी जी सके मत करो ऐसी बातें मत करो सच सच मीना मैं तो आज तक जिया ही नहीं तुम्हें पाकर ही मैंने जिंदगी पाई है विकी बाबू मैंने कहा था ना मैं आपको आपकी जिंदगी ढूंढ दूंगा ये रही आपकी जिंदगी और ये रहा इनका खोया हुआ हार मीना जी तो अपने बाबा के साथ शहर छोड़कर जा रही थी ये तो अच्छा हुआ कि मैंने इन्हें देख लिया और यहां ले आया अब तो आपको पुलिस वालों से कोई शिकायत नहीं शिकायत कैसी इंस्पेक्टर आज से तो मैं आपका कर्जदार हो गया हूं इतना बड़ा कर्ज मैं उतारूंगा कैसे बस हम पुलिस वालों को इतना निकम्मा ना समझकर इंस्पेक्टर एक एहसान और अपनी अमानत कुछ दिनों के लिए तुम्हारे हवाले कर रहा हूं हाय कौन है आप मैं हूं विकी डार्लिंग आपके प्यार में घायल यहां क्या कर रही हैं आपका इंतजार कर रही हूं चलिए चलिए गाड़ी बाहर निकलिए अगर मैं ना निकलूं तो मैं आपको उठा के बाहर भेज दूंगा चलिए तो फेंकिए ना अरे रे आपने तो सचमुच मुझे उठा लिया आउट हेलो एवरीबॉडी कपूर साहब ये देखिए नो देखो मीना मुझे बताओ ये बल्लो है कौन नटवर शाह के रखे तो ये नटवर और उसकी रखेल का खेला हुआ खेल है ये नटवर होगा कहां शालीमार हॉल में आज उसका पहला शो है
अब आप हमारी शराब का कमाल देखिए। याद है मैंने तुमसे कहा था कि एक दिन तुम्हें बहुत बड़ी स्टार बनाऊंगा और आज वो वक्त आ ही गया। अरे विक्की बाबू तुम नहीं आप, हम हैं, तुम जी हाँ, मेरा कहने का मतलब तो वही था। और विक्की बाबू अच्छा हो गए तुम, मेरा मतलब कि आप आज यहाँ पर आ गए। क्या है कि मैं आज पहली बार इन दो कन्याओं को स्टेज पर पेश करने के लिए जा रहा हूँ। पहली और आखिरी बार? जी हाँ आखिरी बार। भाई तुमने अखबारों में हमारी तस्वीर छपवा कर हमें आने की दावत दी तो हम हाजिर हो गए। अब हम तुम्हारी और तुम्हारे कलाकारों की हौसला अफजाई दिल खोल के करेंगे। विक्की बाबू शो का वक्त हो गया, मैं जरा जल्दी में हूँ। ठहरो ना, ठहरो, वक्त वहाँ होगा, शो यहाँ होगा। सहगल साहब। जी विक्की साहब। जी वो सारा सामान आ गया? जी हाँ आ गया। क्या क्या लाया? 2000 सड़े हुए अंडे, 3000 चौबार से फटी पुरानी चप्पलें और 5000 गले सड़े टमाटर और संतरे। ठहरो ना, पर कहाँ जा रहे हो? मुंशी जी आप सैगल साहब के साथ बाहर जाइए और ये सारा सामान पब्लिक में बराबर बराबर बंटवा दीजिए। बैठो ना जी। अच्छा मागन सिंह। हाजिर है सरकार। विक्की बाबू ये क्या है? भाई एक ही दिन में हमें मशहूर करने की खुशी में जश्न होगा, ये दोनों नाचेंगी और तुम इन दोनों को पियोगी। मैं? विक्की बाबू मैं तो शराब पीता ही नहीं हूँ। भाई शराब पिलाना तो हमारा काम है। हाँ तो नटवर्क शो ऐसा होगा कि जब तक तुम पियोगे ये दोनों नाचेंगी और जब तक ये दोनों नाचेंगी तुम पियोगे। तो भाई शुरू हो जाए। विक्की बाबू किसी को जबरदस्ती शराब पिलाना तो पाप होता है। हाँ पाप क्या है पुण्य क्या है हम अच्छी तरह जानते हैं। नटवर्क चलो जल्दी। विक्की बाबू बहुत कर दिए। हमेशा कहा करते थे कि मैं तुम्हें अपनी दौलत अपनी जायदाद से बेदखल कर दूं, तुम्हें आजाद कर दूं। इन पेपर्स पर दस्तखत कर दो, मैं आज से तुम्हें बेदखल करता हूं। कपूर साहब एक मिनट मुंशी जी, आज आप बीच में कुछ नहीं बोलेंगे। कहीं ऐसा ना हो कि आपके बोलने से डैडी अपना इरादा बदल दें। सक्सेना साहब पहन लीजिए, ये काम तो आपको बहुत पहले कर लेना चाहिए था डैडी। खैर देर आए दुरुस्त आए, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बड़ा एहसान किया है आपने मुझ पर। दौलत की जंजीरों में बंधे हुए विक्की को आपने आजाद कर दिया। ये लीजिए आज से सब कुछ आपके नाम। एक बार मीना का पता जानने के लिए मैंने ये चीजें कुछ शरीफ आदमियों को दी थी, आज अपना पता जानने के लिए खुद को पहचानने के लिए दोबारा ये चीजें एक शरीफ आदमी के हवाले कर रहा हूं, क्योंकि उन शरीफ लोगों को भी इन चीजों से प्यार था और आपको भी प्यार है। एक मिनट, एक कीमती चीज और भी देने बाकी है।
ये लीजिए, जिस दौलत पर आपका हक नहीं रहा उस दौलत से खरीदे हुए तोहफे को रखने का मुझे भी कोई हक नहीं है। देखो डैडी, ये है हमारी पसंद और ये है आपकी पसंद। चलो मीना। मुंशी जी आप कहां चल रहे हैं? अपने बेटे के साथ और कहां? मेरे साथ आप कहां जाएंगे मुंशी जी? याद है बेटे, एक बार मैं ये घर छोड़कर जा रहा था और तुमने मुझे रोक लिया था, और आज तू जा रहा है तो क्या तेरे साथ मुझे आने का कोई हक नहीं? तेरी खातिर ही तो आज तक मैं इस घर में था, वरना कब का चला गया होता। तेरे सिवा मेरी जिंदगी में और है ही कौन? लेकिन मुंशी जी, जिस घर में अंधे रहते हो उस घर में एक लाठी का होना बहुत जरूरी है। ये दौलत वाले सिर्फ सोने चांदी की लाठी इस्तेमाल करते हैं, ऐसी लाठी को छूना भी इनकी जान के खिलाफ है बेटे। चल। हम सब पर आपके इतने एहसान हैं कि अगर हम हजार जन्म भी लें तो भी आपका कर्ज नहीं उतार सकते। अरे कैसा कर्ज लोगों? ऊपर वाले ने तुम लोगों के नाम मनी ऑर्डर भेजा था, वो मनी ऑर्डर दौलत वालों की तिजोरी में बंद पड़ा था। हमने तो केवल तिजोरी खोलकर वो मनी ऑर्डर तुम तक पहुंचा दिया, इसमें एहसान कैसा? और फिर आज तो हमने एक नया जन्म लिया है, सारी उम्र दौलत की बैसाखियों के सहारे चलते रहे, आज अपने पैरों पर चलने की हिम्मत कर रहे हैं तो फिर चलने दो। नहीं, हम आपको नहीं छोड़ेंगे। नथुलाल जी, फिलहाल तो आप मीना जी को घर छोड़ेंगे। जो हुकुम। मीना तुम इनके साथ घर जाओ, मैं तुम्हें बाद में मिलता हूं। आइए मुंशी जी। विकी बाबू। अरे अरे, ये क्या कर रहे हो अनवर मियां? हमारे सामने झुकने का जमाना गया। मैं झुक नहीं रहा हूं विकी बाबू, बल्कि उस नेक इंसान के एहसानों का शुक्रिया अदा कर रहा हूं जिसने मुझे इस काबिल बनाया। नेक इंसान और हम? जी हाँ विकी बाबू, वही नेक इंसान जिसकी बचपन से मुझे तलाश थी, जिसने बचपन में मेरी सारी पढ़ाई का खर्चा उठाया और मुझे इस मंजिल तक पहुंचा दिया। वो तुम हो? जी हाँ, हेडमास्टर साहब ने मुझे सब कुछ बता दिया है। मैं वही अनवर हूं जिसके बचपन में आपने आंसू पोछे थे। अच्छा, तो मास्टर जी ने अपना वादा तोड़ दिया? अपने आखिरी वक्त में मेरी जिद के सामने उन्हें आपको दिया हुआ वादा तोड़ना ही पड़ा। अब वो इस दुनिया में नहीं रहे। ओह विकी बाबू, याद है आपने एक बार मेरे छोटे से घर की तारीफ की थी? अब ये करीब दोस्त आपको उसी घर में रहने की दावत देता है। भाई अनवर मियां, अभी अभी तो हमें सोने चांदी की दीवारों और ख्वाबों की दुनिया से आजादी मिली है। सुबह का सूरज निकलने दो, दुनिया की असलियत, हकीकत की सूरत, इंसानों का असली रंग तो देख लेने दो, उसके बाद तुम भी हो हम भी हैं, मुलाकातें तो होती रहेंगी। आइए मुंशी। क्या बात है मुंशी जी? कुछ नहीं बेटे, थक गया। अच्छा, ए ड्राइवर, गाड़ी रोको रोको रोको। अरे मिक्की बेटे, तुम यहाँ? सुना है कि तुम्हारे बाप ने तुम्हें बेदखल कर दिया। वो क्या जाने हीरे की कद्र, तुम आ मेरे साथ। कहाँ? मेरे घर। अरे भाई, अपने घर ले जाकर मैं तुम्हारे बाप को मुंह तोड़ जवाब देना चाहता हूँ। मेरे बाप को मुंह तोड़ जवाब देने वाला मेरे सिवा कोई पैदा नहीं हुआ गोवर्धन सेठ, और वो जवाब मैं उन्हें देकर आ रहा हूं। रही बात आपके घर चलने की, तो मैं जानता हूं कि आप मुझ पर ये मेहरबानी क्यों कर रहे हैं। आपकी इकलौती बेटी है और आप उसकी फरमाइश पूरी करना चाहते हैं। मैं भी बिजनेसमैन का बेटा हूं, अभी अभी समुंदर छोड़ के आ रहा हूं, और गोवर्धन सेठ, समुंदर में तैरने वाले कुओं और तालाबों में डुबकियां नहीं लगाया करते। आई बात समझ में? नहीं, बात जरा ऊंचे लेवल की है। आइए मुंशी जी। बेटे, अगर तुम्हारा लेवल मैंने सेट नहीं किया
तो मेरा नाम सेठ गोवर्धन दास नहीं। हाँ, सारा शहर घूमने के बाद ये जगह कुछ ठीक लग रही है मुंशी जी। वाह, कितनी शांति है यहाँ पर। आज की रात गुजारने के लिए इससे अच्छी जगह और क्या हो सकती है। वैसे इस मंदिर की हालत भी कुछ हमारे जैसी है मुंशी जी। बेटे, मुझे तो ऐसा लगता है कि इंसान ने नाराज होकर भगवान को भी यहाँ से निकाल दिया। आइए मुंशी जी, यहीं सो जाते हैं। बेटे, मैं तो सो जाऊंगा, मगर तुम्हें यहाँ नींद आएगी। मेरी फिक्र मत कीजिए मुंशी जी, आज तो मुझे यहाँ ऐसी नींद आएगी, लगेगा मुद्दतों बाद सोया हूँ। सो जा। जिंदगी यही तमाम होती है, सुबह होती है। अरे गिर गए भाई हम तो, लगी तो नहीं भाई, माफ करना, माफ करना भाई। जितनी भी मैसर नहीं मैं खाने में, जितनी हम छोड़ दिया करते थे पैमाने में। दारू के अड्डे पे जब आपने रुमाल के बदले में बख्शिश में मुझे अपना बटुआ दे दिया था, जिसमें पूरे 5,500 रुपए थे। हाँ, याद आया मुझे। उन्हीं पैसों से मैंने एक चाय की दुकान खोल ली है, भाड़े पे खोली भी ले ली है। मेरी माँ आपको बहुत दुआ देती है साहब। किस्मत वाले हो कि माँ का प्यार और माँ दोनों तुम्हारे साथ हैं। आप ही की कृपा है। हाथ नहीं जोड़ते दुनिया के सामने, हाथ नहीं जोड़ते, वरना काम निकल जाने के बाद दुनिया वाले हाथ तोड़ देते हैं। तुम खूब मेहनत करो, खुश रहो और अपनी माँ का ख्याल रखना। जी, ये आपके लिए मैं चाय लेके आया था। भाई, चाय तो हम पीते नहीं हैं। फिलहाल तो हमें मुंशी जी की तलाश है, न जाने हमें कहाँ छोड़कर चले गए। वो हमारे मुंशी जी हैं जी। वो अगर तुम्हें कहीं दिखाई दे तो हमें बताना। जी। ये लो 25 रुपए। सिर्फ 25 रुपए? अगर और पैसे चाहिए तो 2-4 फेरे और लगा लो। ठीक है। मैं अस्पताल नहीं जाऊंगा, मुझे भी बहुत काम है, बहुत काम है। क्या हुआ? अस्पताल तो जाना ही पड़ेगा बाबा। हाँ बाबा, चलो चलो। ये तो कुछ ही सामने अस्पताल है बाबा। चलो बाबा, चलो चलो बाबा। पहले मुझे उस दुकान पर ले जाओ, फिर अस्पताल ले जाना। डॉक्टर साहब, मुंशी फूलचंद कौन से कमरे में? वो सामने वाले कमरे में। वो कैसे हैं डॉक्टर साहब?
उनके बचने की उम्मीद बहुत ही कम है। मुंशी जी, मत चाहिए मुंशी जी, मैं आपकी कसम खा दो मुंशी, शराब छोड़ दो, शराब छोड़ दो। ये देखिए मुंशी जी, मैंने शराब छोड़ दी। आप देख रहे हैं मुंशी जी, मैंने शराब छोड़ दी, लेकिन आप मुझे छोड़कर मत जाइए मुंशी जी, आप मत जाइए छोड़कर। सारी जिंदगी आपने मुझे अपनी गोद में खिलाया, अपने हाथों से मुझे संभाला, अब मुझे भी मौका दीजिए कि मैं आपकी सेवा कर सकूं। एक बात से बढ़कर हक तो आपने निभा दिया, लेकिन अपने इस बेटे को अब मौका दीजिए कि वो अपना फर्ज पूरा कर सके। दीजिए मुझे मौका, दीजिए मौका, दीजिए मुझे, दीजिए मुझे। मुझे अकेला छोड़ के मत जाइए, लौट आइए मुंशी जी, मुंशी जी लौट आइए,
मैं दोबारा आपसे कभी कुछ नहीं मांगूंगा मुर्शीद। मुझे यतीम बना के मत जाइए मुर्शीद जी। लौट लौट आइए मुर्शीद जी, मुर्शीद जी लौट आइए, लौट आइए मुर्शीद जी। बेकी, तुम राय साहब अमरनाथ कपूर, विकी आज यतीम हो गया। उसके सर से उसके बाप का साया उठ गया। आज मेरा बाप मर गया राय साहब। लगता है तुमने खटिया शराब पीनी शुरू कर दी है, इसलिए होश में नहीं हो। तुम्हारा बाप तुम्हारे सामने खड़ा है। यह आदमी जो मेरे सामने खड़ा है, ये तो वो दौलतमंद इंसान है जिसने विकी को सिर्फ जन्म दिया और फिर बाजार में एक न चलने वाले खोटे सिक्के की तरह उठाकर फेंक दिया। मगर उस खोटे सिक्के को अपने हाथों से परवरिश देने वाला, सारी जिंदगी आपके यहां नौकरी करने वाला, एक जमाने का आपका गरीब दोस्त मुंशी फूलचंद तड़प, मुंशी फूलचंद तड़प अब इस दुनिया में नहीं रहा। क्या? हाँ राय साहब, मैं तो आपसे सिर्फ ये पूछना आया हूं कि आपके पास मुंशी जी की परसों की वफादारी का सिला देने के लिए चंद मिनटों का वक्त है जो चलकर उनकी अर्थी को कांधा दे सके, या आज भी आपके करोड़ों के प्रोजेक्ट की मीटिंग चल रही है? वो बात यह है कि इस वक्त यहां इलेक्शन की। समझ गया। आप मजबूर हैं, आपके कंधों पर इस वक्त दौलत का बोझ है, अर्थी उठाने के लिए आपके कंधे खाली नहीं है। कोई बात नहीं राय साहब, मैं कहीं से चार आदमी इकट्ठा कर लूंगा और अगर वो भी नहीं मिले तो अकेला उन्हें उठा लूंगा। मुंशी जी ने तो मुझे परसों अपनी गोद में उठाया, तो क्या आज एक दिन में उन्हें अपने हाथों पर नहीं उठा सकता? लेकिन जाने से पहले एक बात आपसे जरूर कहकर जाना चाहूंगा राय साहब, आज एक नहीं दो मौतें हुई हैं, मेरे लिए मेरा बाप मर गया और आपके लिए आपका बेटा। रिश्तेदारी की दुनिया में हम दोनों अकेले हो गए। मौत तो वैसे एक दिन सबको आनी है, आज मुंशी जी को आई है, मुझे भी आएगी, आपको भी आएगी, लेकिन जिस दिन आपको आएगी उस दिन आपकी चिता को आग देने के लिए आपका बेटा नहीं जाएगा, क्योंकि मुंशी जी की चिता को आग देने के बाद आपका वो हक उस आग में जलकर खाक हो जाएगा। कपूर साहब, तो फिर मीटिंग की कार्रवाई शुरू की जाए। हाँ जेंटलमैन प्लीज, मुझे थोड़ी देर के लिए अकेला छोड़ दीजिए। आप लोग चाहिए, मैं मुंशी जी के साथ थोड़ी देर अकेला रहना चाहता हूं। आइए चले। गुड मॉर्निंग विकी। सर, विकी बाबू को तो आपने। चलिए। हाँ तो सेठ जी, आप यही चाहते हैं ना कि मीना विकी की जिंदगी से हट जाए और आपकी बेटी की शादी विकी के साथ हो जाए?
लेकिन इसमें मेरा क्या फायदा है? नरप्रसाद देखो, मैं अपनी इकलौती बच्ची के लिए कुछ भी कर सकता हूँ। मैं तुम्हारी ड्रामा कंपनी नहीं बिकने दूंगा, ऊपर से 5 लाख नकद दूंगा, 2.5 लाख पहले और 2.5 लाख काम होने के बाद। सर जी, सर जी, मैं कलाकार हूँ, अपनी ड्रामा कंपनी के लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ, समझ लीजिए आपका काम हो गया। नमस्ते। नमस्ते जी, आप फिक्र मत करना। सुनो, क्या है? पहले तो तुमने हार बेचने के चक्कर में मुझे अंदर करवा दिया था, अब किसे फांसी पे चढ़वाओगे? अबे अड़ू, तू जिंदगी भर कलाकार नहीं बन सकता है, मेरा दिमाग बिजली की तरह चलता है। वो अस्पताल के बाहर वाली रात याद है? अबे वो अब्दुल कसाई जो अपने बच्चे की खातिर सारे अस्पताल को आग लगाने जा रहा था, सब डॉक्टरों का कत्ल करने जा रहा था, क्या वो अपने बच्चे की खातिर हमारा छोटा सा काम नहीं कर सकता? सुनिए, मुझे तो डर लग रहा है। क्यों? अपना बेटा असलम अभी तक स्कूल से आया नहीं, और अब वो कभी आएगा भी नहीं। क्या? आपके बेटे को गुंडे उठा ले गए। क्या कहा रामसादे? मेरे बेटे को गुंडे उठा ले गए? मैं सारे शहर के गुंडों को मार डालूंगा। अरे अब्दुल भाई, मुझ कलाकार पर जोर जमाने का क्या फायदा? मैं तो आपको उनका पैगाम देने आया था। जिन्होंने आपके बेटे को उठवाया ना, उन्होंने मुझे भी जान से मार डालने की धमकी दी है। उन्होंने कहा है कि अगर मैंने आप तक ये संदेश नहीं पहुंचाया तो मेरे टुकड़े करके कुत्तों को खिलवा देंगे। और क्या कहा उन्होंने? और उन्होंने कहा है कि आपको अपने बेटे की जान के बदले में इस शहर की मशहूर डांसर मीना का खून करना होगा। नहीं, मैं खून नहीं कर सकता। मैंने कभी किसी इंसान का खून नहीं किया। अरे अब्दुल भाई, नहीं किया तो उस साली को बकरी समझ के काट डालिए, एक खून कर डालिए, क्या कि मेरी जान बचा लीजिए, मेरी जान के साथ आपके बेटे की लाश। ऐसा मत कहो, मैं अपने बेटे के लिए एक खून तो क्या 1000 खून करूंगा, लेकिन एक बात याद रखना जी, अगर मेरे बेटे को कुछ हो गया ना तो मैं उन हरामजादों के साथ साथ तुम्हारा भी खून कर डालूंगा, तुम्हें जिंदा जला डालूंगा, समझे? आपको देखकर मुझे उस राजा की कहानी याद आ गई जिसे यह वरदान था कि वो जिस चीज को छू लेगा वो सोने ही बन जाएगी। जब से मैंने होश संभाला मुझे याद नहीं पड़ता कि बिजनेस के अलावा भी आपने मुझे किसी बात के लिए बुलाया हो। बुलाया आपने? यह आदमी जो मेरे सामने खड़ा है, यह तो वो दौलतमंद इंसान है जिसने विकी को सिर्फ जन्म दिया और फिर बाजार में एक न चलने वाले खोटे सिक्के की तरह उठाकर फेंक दिया। मैं पत्थर का था बेटा, मगर तेरी जुदाई ने इस पत्थर को पिघला दिया है। मैं टूट चुका हूं मेरे बच्चे, टूट चुका हूं। ये दौलत वाले सिर्फ सोने चांदी की लाठी इस्तेमाल करते हैं, ऐसी लाठी को छूना भी इनकी शान के खिलाफ है बेटे। नहीं मुंशी जी, ऐसा ना कहिए। मैं दौलत के नशे में अपने होश और हवास खो बैठा था। अपने दोस्त को नौकर समझने वाला राय साहब अमरनाथ कपूर आज मर गया। मुझे माफ कर दीजिए मुंशी जी, माफ कर दीजिए। आज एक नहीं दो मौतें हुई हैं, मेरे लिए मेरा बाप मर गया और आपके लिए आपका बेटा। रिश्तेदारी की दुनिया में हम दोनों अकेले हो गए। हाँ डैडी, आपने मुझे वो सब दिया जिसे बाजार से खरीद के एक घर में सजाया जा सकता है, मगर वो सुख कभी नहीं दिया जिसे एक दिल में सजाया जा सके। शराब पसंद है ना? ले देख ले, सारी जिंदगी शराब से नफरत करने वाला तेरा ये बाप आज शराब में डूब गया।
चीयर्स विकी। बाप से चीयर्स नहीं करेगा। चीयर्स चीयर्स। आज पहली बार मुझे ये एहसास हुआ है कि मैं भी एक इंसान हूं, एक पाप हूं। लौटा मेरे बेटे, लौटा। आज आज मुंशी जी होते हैं तो तुझे वापस ले आते। आज मैं अपनी सारी जायदाद, सारी दौलत उसको दे दूंगा जो मेरा बेटा, मेरा विकी मुझे लौटा दे, जो मुझे मेरे बेटे से मिला दे। कपूर साहब। कपूर साहब। कौन है? कपूर साहब, हम आपको आपके बेटे ही से मिलवाने के लिए आए हैं। मेरे बेटे से? जी हाँ। कहाँ है विकी? सेठ गोवर्धन की यहाँ। कहता है कि जब तक डैडी खुद लेने नहीं आएंगे वापस नहीं आऊंगा। हम उसे खुद लेने जाएंगे, उसके पांव पकड़कर उससे माफी मांगेंगे और उंगली पकड़कर उसे वापस ले आएंगे। आप लोग भी उसे डांटिएगा। बिल्कुल। इस तरह बाप से रूठ कर उसे जाने का कोई हक नहीं है। नहीं। उसे डांटिएगा। जरूर। आइए आइए। बच्चा है आपका। चलिए चलिए। आइए आइए। तुम्हें सबूत चाहिए ना? अंदर आओ आओ। वो रहा सबूत। देखो, देख लिया सबूत? कहाँ है मेरा बच्चा? मेरा बच्चा लाओ, वरना तुम्हारा और नटवर शाह का भी वही हाल होगा जो इसका हुआ है। मेरा बच्चा कहाँ है? मेरे जाएगा। मुझे मेरा बच्चा फौरन चाहिए। शमशेर, अभी लाया। दे रहा उसका बच्चा। मेरे बच्चे, मेरे बच्चे, मेरे बच्चे। बताओ, अब बताओ, इस लाश का क्या किया जाए? इसे दफना दिया जाए या जला दिया जाए? जो भी करो, अपना काम तो हो गया। ये खुशखबरी नटवर शाह को सुना दे। अब नटवर शाह से खूब माल खींचेंगे। विक्की साहब, विक्की साहब, विक्की साहब, विक्की साहब, मेरा जी का खून हो गया है। खून? किसने किया खून? ये तो मुझे नहीं मालूम, लेकिन कुछ लोग बार बार किसी नटवर शाह का नाम ले रहे थे। मीना जी के कपड़े हैं। मिलाने के लिए कपूर साहब को गोवर्धन सेठ के पास ले गए हैं। कौन लोग? आपके डैडी के बिजनेस पार्टनर्स। डैडी? सक्सेना साहब, आप अच्छी तरह जानते हैं कि राय साहब अमरनाथ कपूर के साथ मेरा कोई रिश्ता नहीं रहा। देखिए बाबू, खून के रिश्ते आसानी से नहीं टूटते। आपकी एक एक सांस कपूर साहब की देन है। खून के रिश्ते के नाते ना सही, इंसानियत के नाते उन्हें बचा लीजिए, क्योंकि आपके गम में उन्होंने शराब पीनी शुरू कर दी है। क्या कह रहे हैं सक्सेना साहब? हाँ विक्की बाबू, डैडी ने शराब पीनी शुरू कर दी। है
कपूर साहब, ये आखिरी पेपर और। लो गवर्धन, सारे पेपर साइन हो गए। अब तुम मुझे मेरे बेटे से मिला दो। मैं उसे एक बार अपने सीने से लगाने के लिए तड़प रहा हूँ। कपूर साहब, एक बार नहीं, हजार बार सीने से लगाइए। लेकिन यहाँ नहीं, ऊपर जाकर। ऊपर? देखिए क्या ऊपर है, तुमने मुझे अभी तक बताया क्यों नहीं है? हटो हटो। अरे कपूर साहब को इतनी जल्दी है ऊपर जाने की, तो भाइयों देर किस बात की है? इन्हें इतना ऊपर पहुंचा दो ताकि दोबारा धरती पे वापस आकर ये ना कह सके कि हमने इन कागजात पर इनसे जबरदस्ती सिग्नेचर करवाए थे। तो भाइयों, ले जाओ ना कमांडर, सभी ने आज आज तेरी वजह से मेरा बेटा मुझसे पिछड़ गया। कमांडर, मेरे डैडी को ऊपर पहुंचाने वाला ऊपर वाले ने अभी तक पैदा नहीं किया गोवर्धन सिंह। रिकी, मैं इनकी दौलत से बेदखल हुआ हूं जिंदगी से नहीं। अरे देख, कह रहा हूं सेट कर दो उसका लेवल। आज इसकी वजह से मेरी बेटी अस्पताल पहुंच गई है। मारो, मारो, मारो। अरे भाइयों ठहरो, आपको छोड़ के कहाँ जा रहे हो? अबे गधो, गाड़ी कैसे स्टार्ट होगी जबकि इंजन यहाँ पड़ा हुआ है? अच्छा, और अब थोड़ी देर में तुम्हारे नटबोल भी बाहर निकल पड़ेंगे। सक्सेना साहब, विकी बाबू यूं ही थोड़ा कहते कि मुझे हो तो नथुलाल जैसी। अब बताइए इनके साथ क्या सुलूक किया जाए? वही जो होना चाहिए। ठीक है, मार मार बेटी। और अरे कहाँ मर गए सब? छीलो ना फाइल से। और मर मेरे बेटे। मुझ कलाकार का भेड़ा गरक करने वाले, इसमें सड़े हुए अंडे और संतरे नहीं है, इसमें गोलियां हैं और वो भी असली। खबरदार, मैं एक एक को जान से मार डालूंगा। नहीं इंस्पेक्टर, ऐसा मत करना। ये लोग तो खुद अपनी मौत मरे हुए, क्यों अपनी वर्दी पर दाग लगाते हो? विकी बाबू, ये वर्दी भी तो आप ही की बनाई हुई है। आज मैं इसे आपके लिए कुर्बान कर दूंगा।
कमीने! नहीं, नहीं अनवर! हवलदार, ले जाओ इन हरामजादों को। अरे आप कहां चले सेठ जी? अभी तो आपका हिसाब किताब मुझे तय करना है। चलिए। मैं शरीफ आदमी हूं। पिकी, पिकी, मेरे बच्चे, मेरे बच्चे, मेरे बेटे। अपने बेटे को पहचानने में आपने बहुत देर कर दी डैडी। मेरे लिए तो सारी जिंदगी आप एक ऐसी तस्वीर बनी रहे जिसके चारों तरफ सोने चांदी का फ्रेम लगा था, बीच में दौलत का शीशा था। हमारी मुलाकात तो कभी हुई नहीं। नहीं बेटे, अब वो दौलत का शीशा टूट चुका है। मैं भी टूट चुका हूं डैडी, टूट चुका हूं। ये रही आपकी अमानत। बस बस अब मैं जीना नहीं चाहता डैडी। नहीं बेटे, ऐसा ना बोल, ऐसा ना बोल बेटे। तू जिएगा, मेरे लिए जिएगा, अपने बाप के लिए जिएगा। नहीं डैडी, मुंशी जी इस दुनिया में नहीं रहे। मीना भी चली गई। मैं जीऊं तो किसके लिए जीऊं डैडी? विक्की बाबू, मीना बहन यहां है। विक्की, विक्की, विक्की बाबू, मैं माफी चाहता हूं। मुझे मजबूरन मीना बहन को मारने का नाटक करना पड़ा। आपने मेरे बेटे की जिंदगी बचाई थी, तो फिर मैं आपकी जिंदगी कैसे छीन सकता था? मैं कसाई जरूर हूं, लेकिन जल्लाद नहीं। बेटे, अब तो जिएगा ना, मेरे लिए ना सही, मेरी बहू के लिए।